हेलो एवरीवन दिस इज लेक्चर फोर ऑफ इकोनॉमी पी टी थ्री सिक्सटी फाइव आज की लेक्चर में आप समवट रिलैक्स करते हुए पढ़ सकते हैं बिकॉज मेजर डिफिकल्ट टॉपिक जो है हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक विल बी करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ इसकी बेसिक पार्ट को समझेंगे लाइक व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट थोड़ी सी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे पढ़ा जाता है बहुत ही सिंपल है इवन अ फाइव क्लास स्टूडेंट भी इसे समझ सकता है सो so, लोड नहीं लेना है बहुत ईजी है बस हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे ग्राफ क्या सजेस्ट करता है ताकि अपनी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव हो पाए आफ्टर दैट वी विल मूव टू एंड दस नेक्स्ट आर्टिकल विल बी डेटेड सिक्वेरिटी ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्या है क्या जस्ट प्रीवियस ईयर प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जो है क्या इससे एक क्वेश्चन था यू पी एस सी में आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट डेटेड सिक्वेरिटी तो हम लोग इसे भी देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड इल्ड मुझे बहुत ये कन्फ्यूजिंग होती थी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन और हमेशा ये समझ में नहीं आता था कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड एल्ड जो है इनवर्सली रिलेटेड क्यों है एंड यू ऑल्सो सीन मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड एल्ड आफ्टर दैट वी विल स्टडी जी एस टी ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन गेमिंग पे जो है टैक्स इम्पोज किया है तो कैसे किसी ऑनलाइन uh, गेमिंग पे टैक्स लगता है उसका प्राइज पुल मनी कहाँ जाता है कितना होता है प्लेटफॉर्म भी क्या होता है एंड आफ्टर दैट न्यू प्रोविजंस गवर्नमेंट ने क्या लाया है एंड उसके बाद जीएसटी के बारे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तो नहीं करेंगे हम लोग बट ये ज़रूर देखेंगे कि किन आइटम्स पे जो है जीएसटी लगता है और कौन कौन सी आइटम एक्सक्लूडेड है यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में एक बार पूछी थी कौन कौन सा आइटम पे जो है जी लगता है एंड तो हम लोग इसे थोड़ा समझेंगे एंड आफ्टर दैट एक दो बेसिक बात मैं और इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि जी को हमने इम्पोज क्यों किया तो देर आर फाइव रीजन्स हालांकि ये रीज़न मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है बट मेजरली दो पॉइंट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ एस जी एस टी आई जी एस टी एन सी जी एस टी कैसे ये जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन स्टेट्स में एंड लास्टली वी विल स्टडी एंड आफ्टर जी एस टी वाइडनिंग टैक्स बेसिस इंडिया के टैक्स बेस क्यों बढ़ रही है हम लोग इसके पिछले क्लास में भी देखे थे कि जो है हमारा टैक्स टू जी डी पी रेशियो इनक्रीज हो रहा है टैक्स वॉयसी इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे एंड लास्टली ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स दैन टॉपिक टू हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा सो so, पहले हम लोग इतना टॉपिक को कवर करते हैं एंड स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को सो so, देखते हैं क्या है फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट पहले समझ लेते हैं करंट अकाउंट होता क्या है यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ हालांकि मैं अभी यहाँ पे जितना एक्सप्लेन करूंगा दैट विल बी इनफ फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक और मैगजीन भी आप समझ जाएंगे बट और कंप्रीहेंसिवली यदि इस टॉपिक को आपको समझना है तो पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था लेक्चर सेवन टॉपिक नेम है आप जब सर्च करेंगे इसे यूट्यूब में जाके लेक्चर सेवन पी टी थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो मैंने पूरी की पूरी एक्सटर्नल सेक्टर को डिटेल में बताया तो इनिशियल का फ्यू मिनट्स देखना है आपको ये टोटल फाइव आवर्स लॉन्ग वीडियो थी आप मुश्किल से थर्टी मिनट जो है और मस्ट इसको टू एक्स पे देखिएगा बिकॉज मैंने बहुत स्लोली उस समय पढ़ाया था तो आप टू एक्स पे से देख सकते हैं और आप हमेशा टाइम बचाने के लिए वन पॉइंट फाइव और टू एक्स पे वीडियो को देखिए ताकि टाइम आपकी सेव होगी मुझे थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है बिकॉज सब तरह के स्टूडेंट हैं तो उसे भी समझ में आ जाए तो देखो बहुत ही अब हम समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है देखो टूडे दुनिया में हम लोग जिस जो वर्ल्ड में रहते हैं दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट सेकंड हर कंट्री के पास जो है रिसोर्स है वो लिमिटेड है लिमिटेड कहने का मतलब क्या है किसी भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है किसी कंट्री के पास एनर्जी की कमी है तो किसी कंट्री के पास जो है कि आपको खाने पीने की समस्या है जैसे मान लो आप सेंट्रल एशियन कंट्री ले लो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है रेगिस्तान है तो उसे में भी उसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इम्पोर्ट इंपो, करना होता होगा बट उसके पास ऑयल है तो वो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में मतलब कि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशियंट नहीं है सो इसके लिए दुनिया में क्या करना ज़रूरत होगा अ सेकंड हाँ तो रिसोर्स सिंस लिमिटेड है तो देअ देयर मस्ट बी ट्रेड करना होगा डिमांड पीपल की अनलिमिटेड है आज आपको जैसे जैसे पीपल की नीड बढ़ती है कंजम्पशन पावर इंक्रीज होती है मतलब जब आपके पास मतलब सिंपल सी बात है ना इंसान की डिमांड अनलिमिटेड है जब आप अपनी बेसिक नेसेसिटी आपकी कंप्लीट होती है देन यू वांट कि हमारे पास मोबाइल हो जाए लैपटॉप हो जाए तो आपकी डिमांड बढ़ते चले जाती है सो so डिमांड भी अनलिमिटेड है देयरपोर इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा ट्रेड करना होगा एंड वी लिव्स इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड तो हम जो भी कुछ अपने आज ऑनलाइन वर्ल्ड में देखते हैं तो हमें लगता है कि दैट सर्विस ऑल्सो मुझे भी मिलनी चाहिए सो so, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं ट्रेड करते हैं मेजरली दुनिया में इंट्रैक्ट करते रहते हैं और इन चीज़ की वजह से हमारे बीच में क्या होता है हमारे और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब सारे सामान का एक्सचेंज सर्विसेज का एक्सचेंज सर्विसेज लाइक मान लो क्या हो गया ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया आप कहीं घूमने के लिए जाते हो सर्विसेज लाइक कंप्यूटर हो गया आईटी सेक्टर हो गया इन्फॉर्मे inform... आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करते हो दैट इज सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ कैपिटल दैट इज़ एफ और एफ ये मेजर भाषा में एफ डी क्या होता है तो जब आपके कंट्री में कोई फॉरेनर आके इन्वेस्टमेंट करता है कोई मान लो क्या है क्या जैसे कि एज़ फॉर एग्जाम्पल कोई भी एप्पल uh, एप्पल की कंपनी है वो इंडिया में आके फैक्ट्री लगाता है सो दैट इज़ नोन एज एफ और एफ मेजरली इतना डिफरेंस इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए दुनिया में कुछ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये सब इसमें हेल्प करता है बात करते हैं उसके बाद एक बहुत इजी सा कंसेप्ट दैट इज़ यू नो वेरी वेल बट मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा ऊपर से कि दिस इज़ सपोज दैट इंडिया एंड दैट इज़ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हम लोग इंडिया में जो भी सामान खरीदते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मतलब इंडिया छोड़ के जितनी भी कंट्री दुनिया में है उससे हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट मतलब हम उसको आयात कर रहे हैं उसे अपनी कंट्री में ला रहे हैं सो दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट और इसके बदले में हमें दुनिया को पे करना होता है डॉलर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको हम डॉलर में पे करते हैं और इंडिया भी कुछ सामान बनाता है जो कि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चर करके उसे बेचता है जैसे इंडिया कोई सामान जैसे मान लो बेच रहा है तो एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा मोस्ट फेमस जो है इंडिया का दैट इज बासमती राइस तो बासमती राइस मान लो हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए अमेरिका को तो जो हम लोग एक्सपोर्ट किए इसके बदले में हमारे अकाउंट में इंडिया में जमा होता है डॉलर और जो हम सेल कर दिए जो हम इंपोर्ट किए उसके बदले में हमें डॉलर देना होता है तो दुन, दुन, अब इससे क्या हमें सीखने को यहाँ पे समझना है जब कभी भी आपके कंट्री में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट मतलब आप ज़्यादा सामान खरीदते हो विथ रिस्पेक्ट टू कम सामान बेचते हो दुनिया में तो ऐसी स्थिति को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट डेफिसिट दैट इज़ बैड फॉर कंट्री जब भी ऐसी समस्या हो सिंपल सी बात है ना आपको क्या करना है अधिक पैसे अब अपने घर से क्या करना होगा दुनिया को देना होगा सो दैट इज़ बैड फॉर इकॉनमी बैड फॉर इकॉनमी एंड यदि आप कम कम सामान खरीदते हो ज़्यादा सामान पूरी दुनिया में आप सेल कर रहे हो आपके पास बहुत सारा डॉलर आएगा पैसा आएगा दैट मीन्स यू बिकम्स रिच कंट्री सो दैट इज़ नोन एज ट्रेड सरप्लस और ये गुड होता है इकोनमी के लिए और इससे क्या होता है कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे देश का सेंट्रल बैंक दैट इज़ आर अपने पास जमा करके रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इन डॉलर और भी करेंसी टोटल मेजर फाइव करेंसी है बट हमें समझना अभी कि मोस्ट फेमस करेंसी दैट इज डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग रखते हैं कौन रखता है हमारे देश का आर ये सारा स्टोर आर के पास होता है और इस पैसे से बहुत इम्पोर्टेंट सामान जो मेजर ज़रूरत वाली सामान है हम लोग खरीदते हैं और उसमें से सबसे मोस्ट नीडेड इंडिया के लिए है ऑयल दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि हमारी एनर्जी की मोस्ट नीडेड है तो हमारे पास यदि पे हमारे पास डॉलर ना हो तो ये समस्या हो सकती है क्या समझा हमने अभी तक हमने बस सिंपल सी बात समझा दुनिया से हम लोग ट्रेड करते हैं हर कंट्री ट्रेड करता है जब हम इंपोर्ट करते हैं दैट मीन्स हमें डॉलर पे करना होता है और जब हम किसी सामान को बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है और ये चीज़ जब हम अधिक एक्सपोर्ट करें पूरी दुनिया को कम इंपोर्ट करें दैट इज़ ट्रेड सरप्लस दैट इज़ गुड फॉर कंट्री सिंपल सी बात अब बात आई क्या ये टोटल सामान है टोटल कितना सारा सामान हमने गुड्स खरीदा क्या सामान बेचा क्या एफ आया क्या एफ आया ये सब की अकाउंटिंग करना भी ज़रूरत है इकोनॉमी में अदरवाइज दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इशू तो इन चीज़ को करने के लिए कि टोटल हमारे हमें क्या करना है हमें ये कैलकुलेट करना है हम कितना सारा सामान को ट्रेड करते हैं इसके लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ नोन एज मॉस्पी वो ध्यान से समझिएगा अपने डिस्कशन के लास्ट में हम लोग हम लोगों को मॉस्पी के बारे में समझना है और वहाँ पे आपको मॉस्पी का फंक्शन भी बताएंगे और मॉस्पी के बारे में आर्टिकल है हमारे सबसे लास्ट में तो मॉस्पी का एक काम क्या है हमारे देश का जो टोटल ट्रेड होता है उस ट्रेड का हिसाब उसका डायरी मेंटेन करने का काम क्या है वो मॉस्पी का है अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है यदि मेरे से कोई आम भाषा में पूछे तो मेरे हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मान लो बही खाता है बही खाता मतलब सिंपल सा एक डायरी है इस डायरी में मौसपी लिखता है कितना सामान हमने खरीदा और कितना सामान हमने बेचा उससे कितना पैसा मिला ये सारा मेंटेन मौसपी उस डायरी में करता है दैट इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट अब हम लाखों तरह की सामान दुनिया से खरीदते हैं और बेचते हैं यदि सबको आपस में मिला दे तो वो क्या हो जाएगा पूरा मिक्सअप हो जाएगा तो इसके लिए हमने क्या किया सेग्रीगेट कर दिया अपने अकाउंट को वन सेक्शन इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड अनदर इज नोन एज बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड कैटेगरी में हम लोग रखते हैं बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट तीनों में मेजर डिफरेंस ट्रेड का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम उन सारी सामान को रखते हैं जिसको आप देख सकते हो विजिबल है वो मर्केंटाइज है और मेजरली हम इसमें जो चीज़ रखते हैं दैट इज़ बिलोंग्स टू गुड्स मतलब वो सामान एक फिजिकल आइटम जो भी आपको दिखता है जैसे आपको ऑयल है राइस है ये सब चीज़ दिखने वाला सामान जो है दैट कम्स अंडर दी बैलेंस ऑफ ट्रेड दैट इज बैलेंस ऑफ मर्केंटाइज इसमें मोस्टली हम लोग गुड्स को रखते हैं सेकेंड अकाउंट में जो हम लोग रखते हैं दैट इज़ नोन एज बैलेंस ऑफ सर्विस सर्विसेज सर्विसेज में वो सारी सामान होती, होती है जो इनविजिबल होती है दैट इज़ नोन एज नॉन मर्केंटाइज जिसे आप देख नहीं सकते हो जैसे एग्जाम्पल में कि मान लो आई सेक्टर है मतलब कोई सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर की सर्विस आप इंजॉय करते हो उससे भी आसान है एजुकेशन जैसे कि आप कहीं से कोई आपको पढ़ाता है वो पढ़ाना नहीं दिखता है कि वो एक सर्विसेस है जिसे आप जस्ट फील करते हो जैसे हेल्थ केयर रेटरेबल है, है ये सभी चीज जो है दैट कम्स अंडर दर्विसेस एंड थर्ड अकाउंट इज नोन एज बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट अभी आपको बस इसमें इतना समझना है कैपिटल अकाउंट मतलब होता है मेजर मेजर इन्वेस्टमेंट मेजर मेजर इन्वेस्टमेंट जब कोई बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है फैक्ट्री लग रहा है तो दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट हमारे काम का भी कैपिटल अकाउंट नहीं है सो हम इसको यहीं पर अभी छोड़ दे रहे हैं हमें अभी समझना है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ सर्विसेज जब आप इस दोनों अकाउंट के बैलेंस को ऐड कर देते हो दैट इज नोन एज करंट अकाउंट डेफिसिट और यही चीज़ हमें समझनी है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जो कि हमारे आर्टिकल में दैट मीन्स ट्रेड एंड सर्विसेज को ऐड कर दिया अब बात आई क्या तो हम इसमें से बैलेंस ऑफ ट्रेड जो मर्केंटाइज जो सामान खरीदा था उसमें कुछ सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते होंगे पूरी दुनिया को बेचते होंगे और कुछ सामान हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एंड सर्विसेज में भी सेम कुछ सामान हम दुनिया को बेचते हैं कुछ सामान खरीदते हैं हमारे पास अभी क्या शो कर रहा है डेटा शो कर रहा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है मतलब यहाँ पे इन टोटल अकाउंट को जोड़ दे जितना सामान ट्रेड है एंड सर्विसेज है तो हम लोग क्या है हमारा नुकसान हो रहा है हम ज़्यादा सामान खरीद ले रहे हैं कम बेच रहे हैं दैट मीन्स हमारा अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है नुकसान में क्यों डेफिसिट में है तो आर्टिकल बात करता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है तो एक एक करके जो बता रहा है क्या क्या समस्या है कह क्या हमारा जो है एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुआ है दैट मीन्स हम दुनिया को कम सामान बेच रहे हैं इसका मतलब है हमारे पास जो है डॉलर आने की संभावना कम है क्योंकि हम कम सामान बेच रहे हैं हमारा इम्पोर्ट है क्या डॉक्यूमेंट बढ़ गया है मतलब हम अधिक सामान दुनिया से ख़रीद रहे हैं हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है और क्या हुआ है समस्या कि ऑयल की जो प्राइस है पूरी दुनिया में इनक्रीज़ हो रही है जब ऑयल की प्राइस इंक्रीज होगी तो हमें अधिक मनी हमें अधिक रुपीस देना पड़ेगा अधिक डॉलर देना पड़ेगा टू बाय दी सेम अमाउंट ऑफ ऑयल क्यों क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब है मेरे अकाउंट से बहुत ज़्यादा जो है ये डॉलर खाली हो रहा है यहाँ से बाहर जा रहा है पूरी दुनिया में आने का है समस्या कि आना कम हुआ है तो ये तो हाल है मर्केंटाइज में सर्विसेज में क्या स्थिति है हमारा कुछ समय अभी ये देखा गया है हमारा सर्विसेज भी जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर डिक्रीज हुआ है सर्विस में क्यों डिक्रीज हुआ है तो रिड्यूस्ड हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ क्या कंप्यूटर ट्रेवल बिजनेस एक बात मैं एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना है हालांकि सिर्फ यदि सर्विसेज की बात करें हम तो हम लोग इसमें ऑलवेज मतलब मैक्सिमम टाइम्स हमारा ये अकाउंट पॉजिटिव रहता है मतलब सर्विसेज में हम दुनिया को बहुत ज़्यादा सामान बेचते हैं कम सामान खरीदते हैं बट ये वाला समस्या है क्या है गुड्स में ये हमें हमेशा हमारा निगेटिव रहता है ये इतना ज़्यादा निगेटिव है जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो क्या समस्या होता है कि ओवरऑल अकाउंट हमारा निगेटिव हो जाता है इसलिए करंट अकाउंट हमारा निगेटिव है सर्विसेज में हम लोग गुड हैं लेकिन ये गुड्स वाला सामान जो हम है हम लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं अब थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक सर्वे का टेबल दिखाता हूं घबराना नहीं है बहुत ईजी बात कर रहा है दैट इज नोन एज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस ये सब की बात कर रहा है मर्केंटाइज है यहाँ पे पहले तो ये वाला पार्ट हो गया गुड्स के बारे में बात कर रहा है कौन सा अकाउंट वेयर इट इज ये वाला ये पहला वाला अभी समझना है सिर्फ वो जो है ग्राफ बता रहा है ट्रेड के बारे में जो गुड्स वाला का क्या, क्या, क्या स्थिति है देखो यहां से जरा तो इसमें क्या है हमारा जो है गुड्स में हम इम्पोर्ट मेरा बढ़ते चले जा रहा है हमारे पास कंप्लीट डेटा इस साल तो आपको पता है एटलीस्ट ये चीज़ पता होना चाहिए कि 2023 से 24 के लिए इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया एक तो अच्छी न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम में पढ़ना नहीं पड़ेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आएगा टेंशन ख़त्म हुआ नहीं तो इसमें भी कवर करने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है तो एग्जाम से तो हट गया और गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पब्लिश किया तो गवर्नमेंट का कहना है क्या क्या कहना है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअली अभी क्या होने वाला है लोकसभा इलेक्शन होने वाला है तो जिसकी वजह से हम लोग अभी इसे प्रेजेंट नहीं करेंगे बजट भी जो इस बार आया वो इंट्रीम बजट आया कंप्लीट बजट नहीं आया क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है यू नो वेरी वेल तो हमारे पास कंप्लीट डेटा है ट्वेंटी से ट्वेंटी का तो इसमें थोड़ा सा बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या समस्या देखो हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है जो ब्लू वाला ग्राफ है ब्लू रिप्रेजेंटिंग इम्पोर्ट कंसिस्टेंसली जो है हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है हम ज़्यादा सामान दुनिया से खरीद रहे हैं खरीद रहे हैं अधिक डॉलर हमें देना पड़ेगा दुनिया को गुड गुड नॉट बैड ये क्या है बैड है और एक्सपोर्ट हमारा कंसिस्टेंटली लगभग सेम है देख रहे हैं आपको ये वाला जो कलर है एक्सपोर्ट क्या है कंसिस्टेंटली हमारा सेम है तो जिसकी वजह से यदि हम टोटल इसको ऐड करें कि हमारा कितने का हम जो है निगेटिव में जा रहे हैं गुड्स के मामले में यदि सबको आप जोड़ो ये जस्ट लाइक ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए बट आप खुद से इस सब डाटा को देख के आप समझ सकते हैं कभी मन नहीं लगे कुछ नहीं करे तो आप पढ़ सकते हैं इस डेटा को अच्छा लगेगा पढ़ के देखिए जैसे क्वार्टर वन का क्या है क्वार्टर वन में हम लोगों का क्या है इतना सा निगेटिव है मतलब हमने इम्पोर्ट इतना किया है बेचा दुनिया को इतना है इतना सा निगेटिव है कितना माइनस थर्टी वन तो समझ लो थर्टी वन ही है ऐड करके देखते हैं क्या होता है फिर फोर्टी फोर है क्वार्टर टू में फोर्टी फोर देन आफ्टर क्वार्टर थ्री में सिक्सटी एंड देन आफ्टर फिफ्टी फोर इसका मतलब है ये जो टोटल हमारे पास कितने का हो जा रहा है जब इसे आप ऐड करोगे ये हो जा रहा है अप्रॉक्स वन बिलियन डॉलर ये 189 एटी नाइन बिलियन डॉलर निगेटिव में है मतलब इतना का पैसा जो है ना हमें निगेटिव जा रहा है एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस ये इम्पोर्ट इतना पैसा हमको दुनिया को देना पड़ रहा है ये चीज़ को बैलेंस कौन कर रहा है तो थोड़ा थो सर्विसेज का हालात देखते हैं सर्विसेज का क्या स्थिति है तो सर्विसेज का ग्राफ यहाँ है हमने बोला था ना कि सर्विसेज में हमारा स्थिति काफ़ी गुड है हम दुनिया को काफ़ी ज़्यादा सामान बेचते हैं तो सर्विसेज़ का स्थिति यहाँ से देखो हम दुनिया को एक्सपोर्ट खूब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या जस्ट उल्टा है हम दुनिया को सामान बेच रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर डॉलर आ रहा है ठीक है ये डॉलर आ रहा है और इम्पोर्ट हमारा बहुत कम है तो हम यहाँ पर काफ़ी गुड वाली स्थिति में है आवर स्थिति इज़ गुड हेयर तो इम्पोर्ट हमारा स्टेग्नेंट है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे टोटल देखो हमें क्या नेट कितना इन हमें मिल रहा है हम इसी से कंपेयर करते हैं ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू वाले में यहाँ पे हमें नेट मिला ट्वेंटी सिक्स यहाँ पे हमें ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट मीन्स टोटल ऐड करो एक साल का तो ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट दैट विल बिकम हंड्रेड जीरो एट बिलियन डॉलर तो ये वाला पॉजिटिव में है अकाउंट क्योंकि ये हमें अकाउंट हमारे देश में रिजर्व रह टोटल तो यदि हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो निगेटिव हम ये पॉजिटिव हमारे अकाउंट में बैलेंस है हंड्रेड और निगेटिव वाला कितना है हमारे पास माइनस में था हम लोगों के पास वन एटी नाइन वन एटी नाइन एंड दैट विल अप्रॉक्स निगेटिव एट्टी बिलियन डॉलर यही है बैलेंस ऑफ ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? $80 का है ऑलमोस्ट एट्टी बिलियन डॉलर का डेफिसिट है जो, जो कि हो रहा है किसकी वजह से मोस्टली हो रहा है गुड्स की वजह से सो so, ये पूरी की पूरी बेसिक पार्ट था एंड नथिंग रिमेन्स इन दैट आर्टिकल एंड वन थिंग मोर आप एग्जाम के लिए यहाँ से याद रख सकते हैं जो कि अक्सर एम में फ्रेगमेंटेड रहता है गुड्स तो क्लियर है कि गुड्स वाले सेक्शन में ऑल दी जितने भी सामान होती है जो फिजिकल गुड्स है वो गुड्स में आ जाएगा सर्विसेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो सर्विसेज में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं इस वाले सेक्शन में बैलेंस ऑफ सर्विसेज में फर्स्ट वन इज सर्विस किस तरह का सर्विस आईटी सर्विस मीडिया बैंकिंग इंश्योरेंस हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन ट्रांसपोर्ट ट्रेवल बिजनेस ये सभी सर्विसेज में सेकेंड कंपोनेंट इसका है ट्रांसफर ग्रांट एंड एड कुछ मान लो फॉरन कंट्री इंडिया को कुछ ग्रांट दिया वर्ल्ड बैंक है कुछ मान लो आई है कुछ ग्रांट दिया तो हम लोग यहाँ पे मनी को ऐड करेंगे इस अकाउंट में रेमिटेंस क्या होता है रेमिटेंस जो जितने भी इंडियन पीपल हैं अब्रॉड रहते हैं जैसे मान लो कुछ वर्कर्स इंडियन वर्कर रहते हैं दुबई में यू में तो वहाँ से क्या करते हैं वो जो अपने फैमिली को मनी भेजते हैं अपने फैमिली को वेदर इट इज़ डॉलर हो या रुपये में मनी भेजा दैट इज़ नोन एज रेमिटेंस ये रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर वन है पूरी दुनिया में याद रखना है इंडिया इज़ नंबर वन इन द वर्ल्ड टू गेट रेमिटेंस इंडिया हाइएस्ट है उसके बाद कुछ गिफ्ट हो सकता है डोनेशन हो सकता है जो कि हमें बाहर के कंट्री से मिलता है गिफ्ट है डोनेशंस है एंड थर्ड वन इज़ इनकम इनकम में डिविडेंड प्रॉफिट रेंट एंड इंटरेस्ट जैसे कि एज़ फॉर एग्जाम्पल कि टाटा मान लो है टाटा की कोई फैक्ट्री कहाँ पे है तो टाटा की फैक्ट्री में भी इट इज़ बांग्लादेश में है तो वहाँ से जो मनी हमारे इंडिया में आएगा दैट इज़ तो डिविडेंड हो या प्रॉफिट हो या रेंट हो इंटरेस्ट हो ये सभी चीज़ को हम लोग सर्विसेस वाले अकाउंट में रखते हैं कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट कंपोनेंट है इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज एफ और एफ जो हम लोन लेते हैं गवर्नमेंट और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग फॉरेन कंट्री से जो हमारा लोन का अमाउंट होता है दैट रिमेंस इन द कैपिटल अकाउंट बैंकिंग कैपिटल लाइक एनआरआई का अकाउंट है नॉन रेसिडेंट इंडियन का अकाउंट है कहाँ पे इंडिया में है तो उसके अकाउंट में जो मनी आ रहा है दैट ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट रूपी डेब्ट सर्विस रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया एंड अदर कैपिटल लाइक गोल्ड ये सब मनी को हम लोग कहाँ रखते हैं कैपिटल अकाउंट में जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पसेस इसको पूरा मेमोराइज कर लेना है ये चीज़ सर्विसेज एंड सो इट कंप्लीटेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन नाउ केम टू मैगजीन सेक्शन ये क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है फोर क्वार्टर वन के लिए नाइन पॉइंट टू बिलियन डॉलर हो गया है फ्रॉम वन पॉइंट थ्री से ये जस्ट आपको ट्रेंड याद रखना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो रहा है इस तरह का डेटा एग्जाम में नहीं पूछता है वो भी खास करके क्वार्टरली बेसिस तो कभी नहीं पूछेगा अब यहाँ पर बात करता है मैगजीन जो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में हालांकि ये जो नीचे थ्री पॉइंट है वन टू थ्री दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट दे जस्ट डिफाइनिंग फर्स्ट सेक्शन में डिफाइन कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग ट्रेड सर्विसेज ट्रेड सर्विसेज एंड कैपिटल अकाउंट को एड करते हैं दे ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द सेम गुड्स गुड्स सर्विसेस एंड एसेट क्रिएशन एसेट मीन्स कैपिटल अकाउंट इस एसेट का मतलब है कैपिटल अकाउंट देन आफ्टर इट इज डिफाइनिंग करंट अकाउंट क्या होता है जो हमने करंट अकाउंट में पढ़ा दैट इज विजिबल गुड इनविजिबल इसी को हमने सर्विस बोला इसको हमने गुड्स बोला क्रूड ऑयल कार्ड मोबाइल जो भी फिजिकल गुड है सभी आएंगे विजिबल पार्ट में गुड्स में सर्विसेज में हमने देखा इनकम हो सर्विसेज हो रेमिटेंस हो ये सभी इसमें आएंगे फिर कैपिटल अकाउंट को डिफाइन कर रहा है यहां पे ये कैपिटल अकाउंट है इसमें फर्स्ट सेक्शन इन्वेस्टमेंट लोन और एन आर आई डिपोजिट तो सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को इसने डिफाइन किया अब इसके बाद रीज़न बता रहा है क्या करंट अकाउंट डिफिसिट क्यों हो रहा है रीज़न बिहाइंड इंडियाज़ इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डिफिसिट इसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन वहीं डायग्राम में कर दिया था पहला क्या बताया था हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है और एक्सपोर्ट घटा है ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या कंडीशन है हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है इंपोर्ट बढ़ा है सो दैट्स वाई करंट अकाउंट डेफिसिट नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेस रिसिप्ट डिक्लाइन हमारा जो अभी प्रेजेंटली में आपको पता है कि वी आर वेरी गुड एट सर्विसेज बट स्टिल हमारा अभी के समय में सर्विस एक्सपोर्ट का कम हुआ है लाइक कंप्यूटर्स जो हम लोग दुनिया को देते हैं आईटी सर्विसेज है ट्रेवल है बिजनेस सर्विस है, है ये डिक्लाइन हुआ है अभी डेट्स वाई हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है थर्ड कहता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर ग्लोबल फैक्टर में कह रहा है क्या स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनमी जिसकी वजह से जो ग्लोबली पीपल रहते हैं उसके भी तो कंजम्पसन डिक्रीज होगा जब स्लो डाउन होगा तो जब उसके पास नीड ही नहीं है मान लो अमेरिका में पीपल को बासमती राइस बोल रहा है कि नहीं खाएंगे क्योंकि महंगा हो गया है इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है सो so, ये कम इंपोर्ट करेगा इंडिया से दैट्स वाई करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल्सो और मेजर नेक्स्ट फैक्टर इज कि ऑयल प्राइस का बढ़ना इट इज़ ऑल्सो कि हमारा हमारा जो इंपोर्टिंग कॉस्ट है ये बढ़ चुका है तो इंक्रीज इन ऑयल प्राइस इज फर्दर वाइडेंड दी मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट हाइयर ऑयल प्राइस कॉन्ट्रीब्यूट इंक्रीज इम्पोर्ट कॉस्ट महंगा हो गया है सामान अफेक्टिंग ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिजिट देन आफ्टर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई डिक्लाइन ये ये फालतू है ये बिल्कुल गलत पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट को कभी भी एफ डी आई इम्पैक्ट नहीं करेगा प्रम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है इतनी घुमा फिरा के नहीं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है इसको यहाँ से हटा देना कदा क्या पोटेंशियल थ्रेट क्या हो सकता है यदि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़े तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा जब किसी भी कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है ना देट इज़ योर डे टू डे नीड मतलब यदि हर दिन आपको खाने के लिए पीने के लिए जीने के लिए यदि आपके पास डेफिसिट हो रहा है मतलब एवरीडे मतलब सिंपल सी है ना गुड्स एंड सर्विसेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही आपको यदि इतना प्रॉब्लम हो रहा है मनी नहीं है डेफिसिट में जा रहा है सो दे दे विल क्रिएट प्रॉब्लम और जितने फॉरेनर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपके कंट्री को लाइक नहीं करेगा फिर वो चाहेगा कि हम यहाँ से पुल आउट कर जाए वो यहाँ से जाना चाहेगा तो पुल आउट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू मच इंस्टेबिलिटी यदि करंट अकाउंट में हो तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है आपके कंट्री से जाना चाहेंगे फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज रेट में क्या फर्क पड़ेगा एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि जब आपकी रूपी कमजोर हो जाएगी और जब रुपी कमजोर होगी क्यों क्योंकि आप अधिक से अधिक डॉलर में जो है क्या फिर ट्रेड करना पड़ेगा आपको आपके पास इनफ्लो ऑफ डॉलर नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट आपका कम है एक्सपोर्ट कम है दैट मीन्स कम डॉलर आएगा तो डॉलर जब कम होगा कोई भी चीज़ इकोनॉमी में कहता है जब ये कम होगा तो इसका मतलब है इसका जो है डिमांड इंक्रीज होगा और डिमांड इंक्रीज होगा तो डॉलर का प्राइस इंक्रीज होगा दैट मीन्स रुपी कमजोर होगा एक्सचेंज रेट में रुपी हमारा कमज़ोर होगा जो कि अभी भी प्रेजेंटली हो रहा है तो एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा इसके बाद इन्फ्लेशन कंट्री में देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि आप मोस्ट ऑफ सामान दुनिया से खरीद रहे हो आपकी इम्पोर्ट बढ़ रही है एक्सपोर्ट कम हो रहा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रहा है मतलब रुपी कम हुआ एंड दैट दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी राइट नाउ यू ऑल्सो सी दी इन्फ्लेशन इन द इकॉनॉमी उसके बाद पेमेंट इम्बैलेंसेस मतलब आपको दुनिया से ट्रेड करने के लिए अधिक जो है अमाउंट में आपके देश से डॉलर जा रहा है क्योंकि आप अधिक इम्पोर्ट कर रहे हो मान लो थ्री डॉलर जा रहा है इसके बदले में एक डॉलर ही आ रहा है इम्बैलेंस कितने का हुआ दो डॉलर का इम्बैलेंस हुआ जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है जो क्राइसिस इंडिया ने फेस किया था कब फेस किया था नाइन्टीज़ के दशक में इंडिया ने फेस किया था जिसकी वजह से आपका फॉरेक्स डिक्लाइन होगा मतलब आरबीआई का घर में डॉलर की कमी होगी दैट मींस कंट्री बैंक्रप्ट हो सकती है जो हालात अभी प्रजेंटली में श्रीलंका का हुआ श्रीलंका की पूरी की पूरी इकॉनमी चौपट हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ महिला वो जो जयवर्धने गवर्नमेंट था उसको देश छोड़ के भागना पड़ा ये स्थिति हो गया महिंद्रा राजपक्षे गवर्नमेंट नॉट महिला ओके okay? सो so, ये कंप्लीट था आई थिंक मैंने जरूरत से ज़्यादा इसे एक्सप्लेन किया सो so, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट uh, टॉपिक पे जो कि है डेटेड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा ध्यान से इसको समझना है डेटेड सिक्योरिटी के बारे में क्योंकि इस पर क्वेश्चन था और थोड़ा सा मैं बात कहूँ तो एकदम लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लिकेटेड कौन सा पार्ट है तो वो पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है जो कि अभी न्यू स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम अदरवाइज ये टॉपिक तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में एक एक करके बात करते हैं हमने आपसे पिछले क्लास में बात किया था कि गवर्नमेंट क्या करता है गवर्नमेंट को चाहिए है मनी क्यों क्योंकि वेट अ सेकेंड इट इज़ गवर्नमेंट यू नो दैट गवर्नमेंट को government, हमारा जो बजट है बजट रहता है डेफिसिट में फिज़िकल डेफिसिट यू नो दैट कि हम हमारी जितनी ज़्यादा खर्च जो है खर्च हमारी बहुत ज़्यादा है इनकम कम है तो इसको कंप्लीट करने के लिए मान लो हमारा इनकम सौ रुपये है गवर्नमेंट को खर्च करना होता है वन फिफ्टी फिफ्टी रुपीज़ गवर्नमेंट को लेना होता है कर्ज दैट इज़ नोन एज इस फिफ्टी रुपीज़ गवर्नमेंट लेगा कर्ज और इस फिफ्टी रुपीज़ को गवर्नमेंट कहाँ से लेगा तो मोस्टली इकोनॉमी में इंडिया के केस में ये देखा गया है चालीस रुपये तो इंटरनली गवर्नमेंट जो है देश के अंदर से ही कर्ज ले लेता है दस रुपये बाहर से ले लेता है बाहर वाली बात अभी छोड़ देते हैं इंटरनली कर्ज कैसे लेता है तो इसमें मोस्टली गवर्नमेंट क्या करता है इस कर्ज को लेने के लिए यहाँ से तो इस ये इंटरनली मनी को लेने के लिए फोर्टी रुपीज़ लेने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड इसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करता है क्या आपको दे दिया बॉन्ड एक पेपर पे लिख के दे दिया बॉन्ड क्या है बॉन्ड इज अ पीस ऑफ पेपर इस पेपर पे लिखा हुआ है एक बॉन्ड की बात में यदि बात कर रहा हूँ कि चलो इसका सौ रुपये इसका फेस वैल्यू है हंड्रेड रुपीज बॉन्ड का प्राइस है मेच्योरिटी पीरियड मान लो ले लिया इसमें टेन ईयर्स दस साल के बाद इंटरेस्ट रेट कुछ इसमें फिक्स कर दिया फाइव परसेंट फाइव परसेंट तो दस साल के बाद आप जब ये पीस ऑफ पेपर सरकार को देंगे सरकार आपको रिटर्न में इतना पैसा देगा यही कंसेप्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सो राइट नाउ अब हम देखते हैं इसके बारे में तो कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक लिखा है उसको समझते हैं बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज इट रेफर्स टू एक फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट है मतलब फिनांस मतलब मनी कलेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है देट आर यूज बाय इट्स इशूअर्स यहाँ पे इशू कौन कर रहा है तो गवर्नमेंट इशू कर रहा है टू रेज फंड फंड मतलब रुपीज को कलेक्ट uh, करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लोन सरकार से पैसा लिया कैसे ये इशू होता है वेन इशूड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है uh, इसे इशू करती है जब गवर्नमेंट को जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ कहाँ से होती है ये प्राइमरली पहले की बात है अब तो कॉमन पीपल रिटेल इन्वेस्टर में यही स्कीम बताता है पहले क्या था ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कौन कौन खरीद सकता था तो पहले में ये रूल था कि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ले सकता था बट प्रजेंटली अब जो है डायरेक्टली पब्लिक आप और हम भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमेशा कहा जाता है ऑलवेज इट इज़ ऑफेंसिंग नॉट हमेशा ऑफेंस प्राय इसे कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी इसका क्या मतलब होता है गिल्ट एज सिक्योरिटी मतलब यह जो है एक बेस्ट क्वालिटी की सिक्योरिटी मानी जाती है क्यों बेस्ट क्वालिटी क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस है कि, कि किसी देश का गवर्नमेंट ही मतलब ख़त्म हो जाए भले सरकार आएंगी सरकार जाएंगी मे बी इट इज बीजेपी और कांग्रेस इंडिया के, के केस में रहेगा बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इंडिया एज अ कंट्री वो ऑलवेज रहेगा चाहे कोई भी सरकार है तो वो क्या है क्या सेफेस्ट इन नेचर है बेस्ट क्वालिटी है सेफ है और आपको वो मनी मस्ट है वो मिलेगा ही यदि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो इस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है अब यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे फिक्स्ड है बट उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी रहता है वो हम बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट मतलब सिंपल समझना है आपको बेनिफिट होगा आप बॉन्ड लेंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्लोटिंग है फिक्स्ड है वो अभी हम थोड़ा देर के बाद उस पर डिस्कसन करेंगे लिस्ट चांसेस ऑफ डिफॉल्ट जो हमने बात किया बहुत ही लिस्ट चांस है कि कंट्री ही खत्म हो जाए जैसे श्रीलंका में भले देश खत्म हुआ देश नॉट खत्म हुआ राजपक्षे गवर्नमेंट गया न्यू विक्रम रानी सिंघल जो, जो कि गवर्नमेंट में आए वो तो सरकार तो रहेगी तो आपको मनी जरूर मिलेगा उसके बाद करंट uh, अफेयर्स की क्या है अच्छा ये पॉइंट तो हम लोग बाद बात करते हैं जो हमने बात बताया ये लास्ट में डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड को रेगुलेट कौन करता है तो इसकी रेगुलेशन कैसे रिलीज होगी ये सभी का काम आर के अंडर में होता है और यहां पर आपको आपके लिए जो जानने की बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहां से कि आपको Prelims में फंसाया जा सकता है सो so, वो पॉइंट है कि कॉरपोरेट बॉन्ड को सीबी रिलीज करता है उसके रेगुलेशन में होता है सारा का सारा कॉरपोरेट बॉन्ड बट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड दो टाइप्स की होती है वन इज नोन एज डेटेड सिक्योरिटी एंड सेकेंड वन इज नोन एज ट्रेजरी बिल डेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या दोनों है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है बट जब हम बात करते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ का तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है ग्रेटर देन वन ईयर एक साल से ज़्यादा समय के सिक्योरिटी को देट इज़ नोन एज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है इसका टाइम पीरियड टेन ईयर्स हो ट्वेंटी ईयर्स हो मैक्सिमम फोर्टी ईयर्स तक का भी डेटेड सिक्योरिटी होता है बट आपको बस एक पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना है इट विल बी ग्रेटर देन इट विल बी ग्रेटर देन वन ईयर दैट इज डेटेड सिक्योरिटी और जब हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल का तो ट्रेजरी बिल एक साल से कम का होगा कितने तरह का ट्रेजरी बिल भी इट्स है एक ट्रेजरी बिल होता है जो कि नाइन्टी वन डेज का होता है अनदर वन एट्टी टू डेज थर्ड वन इज थ्री सिक्सटी फोर डेज थ्री सिक्सटी फोर का मतलब एक साल से कम है थ्री सिक्सटी फाइव नहीं थ्री सिक्सटी फोर है अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल और डेटेड सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है ये आप मत सोचिएगा मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके वहाँ पे बता रहा हूँ डेटेड सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल कैश और इसमें क्या है क्या जीरो कूपन रेट ये टाइम पीरियड अभी मैं नेक्स्ट स्टेप समझाना चाह रहा हूँ ये जीरो कूपन रेट क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है वही चीज़ को और यहाँ पर जो भी जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था दैट इज़ फिक्सड इंटरेस्ट रेट वाली बात तो इसको यहाँ से आप समझ लेते हैं जितने भी डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उसके सिक्योरिटीज़ पे मान लो ये एक तरह का आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इस पे फेस वैल्यू लिख दिया फेस वैल्यू मतलब उसका सौ रुपये ये एक सिक्योरिटी का दाम है इस पे उन्होंने लिख दिया मेच्योरिटी पीरियड कितना तो मान लेते हैं ये टेन ईयर्स के लिए था इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो मान लो आपको क्या बोल दिया फाइव इंटरेस्ट रेट तो इस तरह का इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसमें एक चीज़ और हो सकता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा मान लो हर सिक्स मंथ पे आपका इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा एज पर वो भी डिसाइड होता है ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ई बी आर पे डिपेंड करता है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट होगा मतलब कुछ भी हो आपको डेटेड सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलेगा बट जो ट्रेजरी बिल होगा ट्रेजरी बिल का डेटेड सिक्योरिटी मतलब ये कैसे होता है ट्रेजरी बिल इसमें आपका फेस वैल्यू मान लो सौ रुपये है हंड्रेड रुपीज़ टाइम पीरियड मतलब मेच्योरिटी पीरियड इसमें से मान लो एक ले लेते हैं वन एटी टू डेज वाला बट इसमें जो है कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा इसलिए जीरो इंटरेस्ट रेट है ये इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं तो आपके मन में अब ये चल रहा होगा यदि जीरो है तो कोई क्यों खरीदेगा जब उसको कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो अब इसमें क्या ट्विस्ट है कि ये इस तरह का जो आपको जो है ट्रेजरी बिल है वो हमेशा ऑलवेज ट्रेजरी बिल आपको मिलेगा हमेशा जो भी उसका फेस वैल्यू है ना फेस वैल्यू से कम प्राइस पे मिलेगा मतलब कितने पे मिल जाएगा सपोज करो ये आपको सिक्सटी रुपीज़ मार्केट में मिल गया एट्टी रुपीज़ में मिल गया एक एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ मान लो सिक्सटी रुपीज़ में ही आपको ये मिल गया तो जब आप वन डेज के बाद रिडीम करने के लिए जाओगे गवर्नमेंट के पास तो आपको आपने तो बाय किया था सिक्सटी रुपीज़ में आपको मिला हंड्रेड में तो यू विल गेन ऑफ फोर्टी रुपीज़ अमाउंट इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है बट आपको बेनिफिट होगा तो ये चीज़ था ये पूरी की पूरी पॉइंट थी अबाउट डेटेड सिक्योरिटी अब देखो मैंने जो जो बात किया है वही सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताया यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है हालाँकि जो डेटेड सिक्योरिटी है इट विल बी रिलीज बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है सी फॉर सेंटर एंड एस फॉर स्टेट बट मस्ट बी ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करेगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को रिलीज नहीं कर सकता है ठीक है ये पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट कहता है क्या यह एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है आप इसे ट्रेड कर सकते हो इशू किया जाता है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी पर करा है फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्टेड समझा दिया ट्रेजरी बिल पे जीरो कूपन इंटरेस्ट रेट कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा बट आपको मिलेगा ये डिस्काउंटेड प्राइस पे थ्री टाइम पीरियड है नाइन्टी वन वन एटी सिक्सटी फोर एक्सप्लेन एक पॉइंट ये समझना है यहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन ये स्पेशली स्टेट ये रिलीज करता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर ये भी एक तरह का डेटेड सिक्योरिटीज़ है ये किस तरह का डेटेड सिक्योरिटी जो मैंने बात किया था डेटेड सिक्योरिटी सेंटर भी रिलीज करेगा और स्टेट जिस नाम से करता है दैट इज़ नोन एज एस टी स्टेट डेवलपमेंट लोन तो ये हो गया उसका स्टेट का डेटेड सिक्योरिटीज सिमिलर टू डेटेड सिक्योरिटीज क्लियर है हाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू इशू कौन करता है तो इशू के बारे में आ, ये जो है हमने बात किया आर बी आई इसे कंडक्ट करता है और आर बी आई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज़ नोन एज ई कुबेर प्लेटफॉर्म तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म ये चीज़ को रिलीज किया जाता है पार्टिसिपेशन कौन कौन इसमें खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्राइमरी डीलर इंश्योरेंस कंपनी प्रोविडेंट फंड वो एंड ये सभी पर्सन जो ये मेंबर होते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म के ये पार्ट ले सकते हैं ऑक्शन में ये पुरानी बात है न्यू वाली बात पे हम लोग थोड़ी चलेंगे उसके बाद एफ और कॉरपोरेट्स ये भी अलाउड है पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और कॉरपोरेट्स भी अलाउड है हालांकि इस पर क्या होता है इस पर एक लिमिट होता है कि क्वांटिटी लिमिट कितना एक पर्सन होल्ड कर सकता है दैट विल बी प्रिस्क्राइब बाय सेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चीज होगा आरबीआई कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग अभी जिस सेक्शन पर रहे हैं दैट इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी इसके बाद हमारे मैगजीन में भी आएगा दैट इज़ नोन एज मोनिट्री पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इसे कंडक्ट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी विल बी कंडक्टेड बाय आरबीआई इसमें ही आप पढ़ते हैं जैसे मान लो एसएलआर सीआरआर सीआरआर बैंक रेट रेपो रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और इसमें एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि आरबीआई क्या करता है टाइम टू टाइम जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस हम लोग आगे बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है आर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है किस लिए तो मार्केट में रूपी को एडजस्ट करने के लिए यदि बहुत महंगाई हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के सारा पैसा आरबीआई अपने पास खींच लेता है यदि मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए पैसे चाहिए तो आर क्या करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना स्टार्ट कर देता है और मार्केट में मनी को इनफ्लो कर देता है नाउ दिस वन दिस विल बी कम्प्लीटेड अब हम लोग बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स के बारे में करंट <coughs> अफेयर्स में क्या है एक पॉइंट रिसेंटली आर ने लॉन्च किया क्या लॉन्च किया गिल्ट अकाउंट गिल्ट अकाउंट का मतलब क्या है कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कैसे करेगा आइए समझते हैं यहाँ नीचे इसका आपको नोट्स बना लेना है तो आर ने एक स्कीम निकाला दैट इज नोन एज रिटेल डायरेक्ट स्कीम वेट बी रिटेल डायरेक्ट स्कीम ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या था इसके तहत क्या कर सकता है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर कैन नाउ बाय और सेल कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को डायरेक्टली विदाउट हैविंग गो थ्रू एन इंटरमीडियरी लाइक स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड मतलब पहले भी रिटेल वाला कर सकता था बट नॉट डायरेक्टली पहले वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो सकता था या म्यूचुअल फंड के तहत जाता मतलब पहले किस तरह से ये फंक्शन वर्क करता था तो मान लो पहले बिफोर जब ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आया था तो पहले किस तरह से ये सिस्टम काम होता मान लो इस जगह एग्जाम्पल के तौर पर एक ले ले लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल पे कि दिस इज़ द पर्सन एक्स ये पहले की बात है ये मिस्टर एक्स हैं यदि ये, ये चाहते हैं क्या चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है रिटेल इन्वेस्टर है ये तो ये क्या बोलता यदि ये, ये चाहता है क्या चाहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना सो so, कहाँ पे इन सेकेंडरी मार्केट अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है दैट विल बी आई विल डिस्कस इन द कैपिटल अकाउंट इन द फर्दर फर्दर अपकमिंग मैगजीन वाले सेक्शन में वहाँ पे uh, हम लोग समझेंगे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट यदि मेजरली मैं बात बताऊँ तो प्राइमरी मार्केट जो है क्या uh, जहाँ पे कि शेयर इनिशियल uh, वहाँ से शेयर को लॉन्च किया जाता है आफ्टर सेकेंडरी मार्केट में आपने सुना होगा बी एस सी एन एस सी तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर चूँकि थोड़ा वो डिटेल टॉपिक है हम लोग यहाँ पर उतनी समय नहीं अब एक एक टॉपिक को दे सकते हैं तो यदि वो सेकेंडरी मार्केट में बाय करना चाहता है तो किसके थ्रू थ्रू तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी बाय होगा वो थ्रू होगा स्टॉक एक्सचेंज में और प्राइमरी मार्केट में कैसे बाय होता है तो वहाँ थ्रू डीलर के थ्रू होता है सो दैट विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर तो मान लो उसको सेकेंडरी मार्केट में करना था पहले तो कैसे करता वो स्टॉक एक्सचेंज में पहले उसके माध्यम से वो बाय कर सकता था गवर्नमेंट सिक्योरिटी और यदि वो चाहता था कि हम प्राइमरी मार्केट में बाय करें तो इसके लिए इसको क्या करना होता था कि वो होता था थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैंक हो गया प्राइमरी डीलर इनको क्या बोल दिया आपने भी पे कि तो क्या करना तुम तो मेरे बदले में जो है कुछ शेयर कुछ मतलब जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेना ये पहले होता था अब क्या हुआ अब गवर्नमेंट ने लाया न्यू न्यू रिटेल डायरेक्ट स्कीम इन्वेस्टर्स को अब क्या करना होगा इस रिटेल इस स्कीम के तहत रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत उसे अपना अकाउंट ओपन करना होगा और उस अकाउंट का नाम होगा रिटेल रिटेल डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट और ये विथ किसके अंडर में होगा आरबीआई के अंडर में ये अकाउंट जैसे आप ओपन करते हैं और ये अकाउंट कैसे ओपन होगा तो ये होगा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा दैट इज नोन एज इकोबेट प्लेटफॉर्म अब मिनिमम अमाउंट क्या है बिडिंग का एक पर्सन जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट है बिडिंग का टेन थाउजेंड रुपीज अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सौ रुपए पचास रुपए वाला थोड़ी है वहां बैठनी चवन्नी का हिसाब तो वहां पे मिनिमम दस हजार रुपए से और आपको अधिक यदि लेना है तो दस हजार के मल्टीपल में आप कर सकते हैं मतलब 10X में के कह सकते हैं अगला होगा बीस हजार तीस हजार चालीस हजार इस तरीके से इसी के मल्टीपल में आप नेक्स्ट कर सकते हैं अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है यदि यह भी थोड़ा समझ लीजिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम में यदि आपको प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना है तो आपको जाना होगा आरबीआई का ई कुबेर पोर्टल पर ई कुबेर पोर्टल पर जब आप जाते हैं यहां पे आरबीआई जिस समय रिलीज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डायरेक्टली आप वहां से बाय कर लीजिए एंड उसके बाद इन सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा सेकेंडरी मार्केट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है दैट इज नोन एज एनडीएसओम एनडीएस मतलब निगोसिएटेड निगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये प्लेटफॉर्म है सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करने के लिए एक चीज यहाँ पे हालांकि जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए बस मैं समझा देता हूँ यदि आपको समझना है आए तो ठीक है नहीं समझ में आए तो इसे छोड़ देना समझ में तो आएगा ही जैसे कि मान लो आपको प्राइमरी मार्केट में किसी को क्या करना है खरीदना है प्राइमरी मार्केट में कितने लोग रहेंगे आप मान लो एक सिंगल क्या पर्सन हो रिटेलर्स हो आपको क्या करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है और एक कौन यहाँ पे लाइन में मान लो लगा हुआ एक एसबीआई है यहाँ पे एक मान लो कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ये पर्सन है ये पर्सन है ये अब क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के समय में बार्गेनिंग करेगा किससे कि मान लो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मान लो ट्रेजरी बिल है हमने बात बताया था उसका फेस वैल्यू था सौ रुपये ये बार्गेनिंग करेगा कि हमें ये चाहिए कितने में चाहिए एट्टी रुपीज़ में चाहिए तो ये बार्गेनिंग का पावर सिर्फ और सिर्फ एस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को है नॉट कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इसे ये बार्गेनिंग पावर नहीं है इसको बस ये बताना होगा आर को इस पोर्टल में ईकोबर जाके हम चलो मान लो टेन थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं बीस हजार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो ये लोग बार्गेनिंग जिस रेट पे करके आएगा फाइनली जो रेट होगा उतना ही रेट पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे मिल जाएगा मतलब इसे सिर्फ बार्गेनिंग का पावर नहीं दिया गया दिया गया है ये चीज़ है इसमें तो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर है वो बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा बिडिंग में हिस्सा लेगा कि कितना पे मिलना चाहिए बट जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बिड में इन्वेस्ट नहीं मतलब बिडिंग नहीं कर पाएगा ओनली वो प्लेस कर देगा अपना अमाउंट यू विल गेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन दैट रेट वाट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है निकोसिएट करेगा इस लाइन को भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एक बार देख लो बाय प्लेसिंग अ बीड इन द प्राइमरी ऑक्शन प्राइमरी ऑक्शन में जैसे ही बीड प्लेस करते हैं ऑफ डेटेड सिक्योरिटी डिज नॉन ये नॉन कंपिटेटिव सेगमेंट है क्यों नॉन कंपटिटिव सेगमेंट है क्योंकि हियर ओनली जो है आप क्या कर सकते हो बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो ओनली जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वही इस पर निगोसिएशन uh, कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट्रैक्ट टैक्स ऑन बोथ अच्छा अब जो है एक पॉइंट एग्जाम के लिए यहां पे सो so, ये क्लियर पॉइंट हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो है आपको टैक्स लगेगा किस पे एट्रैक्ट टैक्स ऑन बोथ आपका जो इंटरेस्ट इनकम होगा फाइनली जो आपको बेनिफिट हुआ इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन इन दोनों पे लगेगा इफ इफ जो है पेपर्स ट्रेडेड बिफोर मेच्योरिटी आप maturity पेपर से यदि पहले बेच ले रहे हैं तो इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेन दोनों पे टैक्स लगेगा लेकिन यदि टिल मेच्योरिटी तक आप उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा इंटरेस्ट इनकम तो हमेशा देना होगा जब भी आपको बेनिफिट होगा तो उस पर देना होगा बट कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना होगा अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछा था दिस क्वेश्चन इन आई थिंक इट वॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट तो इससे आपने ये जो एनडी एनडीएस स्कीम था एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम इसके तहत आपने क्या देखा एन डी एस स्कीम क्यों आया ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर सके तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यदि आपको यहाँ पे डाउट लग रहा होगा व्हाट इज डिमेट अकाउंट सो आपको इतना तो समझना होगा कि जब कभी भी आप कोई भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो वेदर इट इज़ इक्विटी शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये बच्चा बच्चा आज का जानता है कि आपको इसके लिए डिमेट अकाउंट चाहिए तो डिमेट अकाउंट तो नेसेसरी है आपको तो लेकिन मेन यहाँ इस स्टेटमेंट का कारण था क्वेश्चन में देने का दैट इज रिटेल इन्वेस्टर बाय कर सकता है कि नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अब ऑप्शन नंबर में जैसे वन करेक्ट है अब जहां जहाँ वन नहीं है दैट विल बी डिलेटेड नेक्स्ट स्टेटमेंट टू द निगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग दैट इज एन डी एस जो हमने बात किया एनडीएस ओ एम निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज जो हमने बात किया हियर यदि आपको सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है दैट इज एनडीएस ओ एम निगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट वन टू स्टेटमेंट करेक्ट मिल गया है सो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक हियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा यहाँ पे सेबी होगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा आई थिंक ये सेबी होगा ओके सो दिस कंप्लीटेड द डेटेड सिक्योरिटी आल्सो एक चीज दो चीज़ मैं थोड़ी आ, अच्छा पहले बॉन्ड इल्ड समझाने से पहले एक छोटा सा एक बात आपसे कहना था क्या आ, दो चीज़ अब आप जो है इस लेक्चर जब कभी भी यदि आपको लगे कि टाइम की कमी पड़ रही है तो अब एक चीज़ न्यू सिस्टम क्या है कि आप जब इस तरह से जब वीडियो प्ले करते होंगे आप तो आपको डिस्क्रिप्शन वन इज़ वट ए तो डिस्क यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोड़ सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी लेक्चर की समरी आपको मिल जाएगी एंड ये बहुत शॉर्ट पॉइंट में जैसे कि हमने पढ़ा था मान लो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तीन चार पांच लाइन में ही जो है आपको पूरी लेक्चर वो टॉपिक की समरी है तो आप इसे डिविज़न परपज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड सेकेंड एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट थी कि ये थोड़ा सा आप क्या किया कीजिए मैं आपसे कभी आपको मैंने नहीं बोला है क्या सब्सक्राइब करने दिस करने बट यदि आप सिंपली क्या करते हो ना लाइक सिर्फ कर देते हो और सम अबाउट कमेंट तो इससे क्या होता है यूट्यूब जो है अपनी वीडियो को प्रमोट करता है अदरवाइज़ यदि आप लाइक उसे नहीं करते हो या कुछ भी कमेंट नहीं होता है तो यूट्यूब को भी लगता है ये फालतू तो वीडियो है सो रहने दो तो थोड़ा एक्चुअली क्या है कि इससे मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी कुछ यदि वीडियो अधिक पीपल तक जाएगा सो प्लीज़ फॉर मी यदि आप ये कर सकते हो तो आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सो so, अब थोड़ा मैं ये बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर कई जगह आपने देखा होगा बॉन्ड इल्ड और बॉन्ड मैच्योरिटी यहाँ पे भी है दिया हुआ इस दोनों में रेसिप्रोकल सा बिहेवियर है मतलब जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड प्राइस यदि इंक्रीज होगा तो बॉन्ड इल्ड डिक्रीज होगा एंड इफ़ बॉन्ड इल्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा इल्ड मतलब जस्ट लाइक like समझ लो उपज तो ये पहले बात तो माइंड में ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है कि जब मेरा बॉन्ड इल्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइस कैसे घटेगा और जब प्राइस मेरा बढ़ रहा है तो इल्ड तो और अधिक होना चाहिए तो रेसिप्रोकल बिहेवियर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है होता कैसे मैं इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन करता हूँ बाय फार्मूला और बाय बेसिक नॉलेज बॉन्ड इल्ड का फार्मूला क्या है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय बाई बाइस इंटू हंड्रेड अब यदि यहाँ पे सिंपल सा मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं यू हैव ऑल्सो प्रिपेयर जी सी सेट सो ये मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए तो बॉन्ड इल्ड क्या है तो बॉन्ड इल्ड में मैथमेटिक्स डायरेक्टली क्या बता रहा है मैथमेटिक्स सिंपली कर रहा है यदि बॉन्ड इल्ड इज इक्वस टू मैच्योरिटी प्राइस नीचे है वन बाय बॉन्ड प्राइस है मैथमेटिकली तो ये रेसिप्रोकल होगा जब भी ये बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज़ होगा यदि ये, ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा मैथमेटिकली इट इज़ ट्रू कि दोनों में रेसिप्रोकल बिहेवियर है और ये पॉइंट क्लियर लेकिन रियलिटी में कैसे क्या होगा तो रियलिटी में समझते हैं देखो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ये सपोज करते हैं कि कोई भी ये बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसका कुछ फेस वैल्यू होगा सो दिस वन इज इज फेस वैल्यू इस पर कुछ इंटरेस्ट रेट होगा टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड है एक साल सो आफ्टर मैच्योरिटी इसका प्राइस कितना होगा आफ्टर मेच्योरिटी सौ रुपये दस परसेंट इंटरेस्ट लगा दिया तो इस ये हो गया टेन रुपीज़ तो टेन प्लस हंड्रेड दैट इज हंड्रेड टेन रुपीज़ ये हुई बॉन्ड की प्राइस आफ्टर मेच्योरिटी तो आपको अपने फार्मूला में जब आपको बॉन्ड इल्ड मैंने बोला निकालो बॉन्ड एल्ड तो बॉन्ड इल्ड का आपने क्या भी फार्मूला देखा कि मेच्योरिटी प्राइस देखा आपने आफ्टर मेच्योरिटी ये था फॉर्मूला ना मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड ठीक है हमने देख लिया अपने कैलकुलेशन से निकाल लिया हंड्रेड टेन नीचे है बॉन्ड प्राइस अक्सर हमें कन्फ्यूज़न क्या होती है जो बॉन्ड प्राइस नीचे है ये जो बी है हम बॉन्ड प्राइस में समझते हैं जो फेस वैल्यू है ना वही मनी लिखना है नहीं ये हंड्रेड नहीं होगा ये खत ये डिलीट करना है पे यही माइंड से निकालना है बॉन्ड प्राइस का मतलब होता है आप किस वैल्यू पे आपने इस बॉन्ड को खरीदा है और थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था ये कभी डिपेंड नहीं करता है कि, कि किसी बॉन्ड की वैल्यू यदि हंड्रेड रुपीज है तो वो हंड्रेड रुपीज में ही मार्केट में मिलेगा आपको ये इससे कम रेट में जनरली मिलता है आपको तो अब आप बताइए यदि ये आपको जितना कम में मिले आपके लिए तो उतना अच्छा है यदि बॉन्ड प्राइस किसी को मान लो ये अस्सी रुपये में मिला तब तो बहुत बेहतर है ना उसको रिटर्न एक सौ का हुआ सपोज करो किसी को ये साठ रुपए में ही मिला होगा तो और बेहतर है किसी को ये पचास रुपये में ये मिला होगा अब मान लो कोई जबरदस्त बहुत इमरजेंसी होगा वो अपना बॉन्ड बेच रहा होगा बोला चलो मुझे दस रुपये ही दे दो इसको हंड्रेड रुपीज का जो है ना बेनिफिट हो रहा है इसीलिए बॉन्ड इल्ड इंक्रीज होता है जब बॉन्ड प्राइस घटेगा बॉन्ड प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो नॉट फेस वैल्यू और रिटर्न जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है दैट इज शोज द रिटर्न अमाउंट आपको मेच्योरिटी के बाद कितना मिलेगा होप सो so आप समझ गए कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड ईल्ड में इसलिए रेसिप्रोकल वाला बिहेवियर है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ये पी डी में आपको दे दूंगा सो so, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे मैंने यहाँ पर लिखा है क्या हियर इट इज बॉन्ड प्राइस मीन्स एट वाट प्राइस यू हैव बाउट द बॉन्ड आपने किस कितने पे इसको खरीदा है एंड मेच्यूरिटी वैल्यू ऑफ बॉन्ड मीन्स मतलब क्या होता है कि बॉन्ड ऑलवेज भी ऑलवेज बी रिडीम्ड ऑन फेस वैल्यू फेस वैल्यू पर रिडीम होगा मेच्योरिटी वैल्यू प्लस आपको इंटरेस्टेड तो ये तो फिक्स है ये वाला आपको जितना लोइस्ट मिले लोइस्ट इज द बेस्ट जितना कम में मिले उतना अच्छा है ताकि आपको ग्रेटर रिटर्न मिलेगा सो दैट दिस कंप्लीट दिस सेक्शन ऑल्सो अब बात करते हैं हम लोग जीएसटी की दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो न्यूज में क्या है कि गवर्नमेंट ने हियर इट इज ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी इंपोज किया है ऑनलाइन गेमिंग पे वन थिंग मोर मुझे आपसे बात करनी है क्या अक्सर आपकी कमेंट होती है क्या मैं जो ये जो स्लाइड बनाता हूँ इसको बनाना है प्रिंटेबल फ्रेंडली मतलब ये ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए प्रिंट लिस, फ्रेंडली लिसन जनरली मेरी स्लाइड एक दो पेज की होती है और यदि आप एक दो पेज भी अपने पे, अपने खुद से आप इसे नहीं लिखेंगे इसे भी प्रिंट आउट करवा रहे हैं है, तो छोड़ दीजिए पढ़ना जरूरत नहीं है आपको इसको करने की यदि आप खुद से ये वर्क नहीं करोगे जब तक आपके हैंड रिटेन ये नहीं होगा सो दैट विल नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू आपको ये खुद से अपने हाथों से लिखना है अपनी कॉपी में अपने पेज में तभी वो बेनिफिट होगा आप सिर्फ जिरॉक्स करवाते जाओ ये मटेरियल वो मटेरियल कभी कोई बेनिफिट आपको वो नहीं करेगा सो so इसलिए एक एक पेज का स्लाइड इतना छोटा सा आठ दस वर्ड है अब इसके लिए आप कमेंट में लिखते हो क्या कि सर मतलब ये प्रिंटेबल फ्रेंडली होनी चाहिए करने का मेरे लिए एक सेकेंड का काम है बस मैं यहाँ से जाऊँगा देखो कितना आसान है ये चेंज टेम्पलेट किया मैं इसे वाइट मान लो कर देता हूँ सपोज दैट तो यहाँ से बस मुझे एक लाइन में बस करना ये वाइट हो जाएगा और इसके बाद मैं शेयर कर दूंगा मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं मैं जान बुझ के ये नहीं करता हूं वाइट में ताकि आप इसको बस लिख लीजिए ना वो अधिक बेनिफिशियल होगा आपके लिए सो बैक टू टॉपिक बहुत डायलॉग हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी इंपोज किया ऑनलाइन गेमिंग पे अब ऑनलाइन गेमिंग पे पहले से जीएसटी था तो न्यू चेंजेस क्या हुआ गवर्नमेंट पहले कहां पर जीएसटी था तो ऑनलाइन गेमिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं वन पार्ट इज नोन एज गेम ऑफ चांस गेम ऑफ चांस का मतलब क्या हुआ गेम ऑफ चांस का मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे मान लो आप लूडो खेलते हो तो मतलब गवर्नमेंट का कहना है क्या गेम ऑफ चांस मतलब ऐसा कोई गेम जिसमें कि आपका कोई अपना स्किल नहीं है बस वो क्या है डाइस पे डिपेंड कर रहा है ये जैसे कि डाइस में जो आ जाएगा वो आउटकम्स है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन तो डेट गेम्स इज़ कम्प्लीटली गेम ऑफ चांस जैसे मान लो कसिनो है उसमें आप सिर्फ रोटेट करते हो एंड यू विल गेट द रिज़ल्ट तो यहाँ पे आपकी कोई स्किल नहीं है इस तरह के गेम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले से ट्वेंटी एट परसेंट जी एस टी लेता था किस पे गेम ऑफ चांस पे न्यू इंक्लूज़न क्या हुआ है बोला कि जो गेम ऑफ स्किल भी है अब जैसे मान लो ड्रीम इलेवन है ड्रीम एलेवन आपको लगता होगा वो भी गेम ऑफ चांस है क्योंकि वो तो कुछ नहीं करता नहीं यहाँ पे कुछ स्किल चाहिए होता है उसके लिए वो स्टडी करता है हर प्लेयर प्लेयर का परफॉर्मेंस देखता है उसके बेसिस पे टीम बनाता है सो so, जो स्किल वाली गेम है या और भी जितने सारे गेम हैं तो सभी ऑनलाइन गेमिंग पे वेदर इट इज़ पबजी हो गया और फ्री फायर हो गया हर एक गेम पर गवर्नमेंट ने कहा कि टोटल हम ट्वेंटी एट लेंगे ये तो ठीक था ट्वेंटी चलो इतना भी ये मेजर समस्या नहीं था बट ये ट्वेंटी एट परसेंट जी जो पहले जिस तरह से लगता था और अब किस तरह लगेगा दोनों में बहुत चेंजेस आया और जिसकी वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है काफ़ी चिंता में पहुंच गया है कि उस उसे लगता है दैट इज़ द डेथ नेल इन द गेमिंग इंडस्ट्री कैसे तो समझते हैं अर्लियर क्या था सिस्टम जी uh, लगने का अर्लियर मान लो ये ड्रीम एलेवन का ऐप आपने ओपन किया तो वो जो ऐप आप ओपन करते हो दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म कोई भी आपको कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है गेम खेलने के लिए पबजी है तो पबजी का अपना है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म है हर गेम, गेम का गेमिंग प्लेटफॉर्म है आप क्या करते हो जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम अभी लेके समझते हैं एक पर्सन कोई है मिस्टर एक्स है ये मिस्टर एक्स ड्रीम इलेवन पे एक टीम बनाता है उसका प्राइस मान लो सौ रुपये सो so, ये सौ मनी को ये पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया डाला ड्रीम एलेवन पे अब क्या हुआ ये सौ रुपये ये हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पे पहुँचा पहले नियम ये था कि इसका कुछ सेक्शन फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गोज टू कंपनी के पास डायरेक्टली एज अ प्लेटफॉर्म फी वो ड्रीम एलेवन चार्ज करता तो मान लो ड्रीम एलेवन ने इसके लिए ट्वेंटी रुपीज़ चार्ज किया ट्वेंटी रुपीज चार्ज के लिए तो ये गेम के लिए और रिमेनिंग जो एट्टी रुपीज बचा वो एट्टी रुपीज गोज टू प्राइज पुल मतलब जो लास्ट में विनर को मिलता है जैसे पांच करोड़ दस करोड़ जो प्राइज मिलता है वो प्राइज पुल में चला गया इस तरीके से मान लो मिस्टर एक्स के जैसा हजारों आदमी है हजारों आदमी ने प्लेटफॉर्म फी अपना दिया एंड आफ्टर गिविंग प्लेटफॉर्म फी कुछ पैसा इसका जो है कि ट्वेंटी परसेंट हम इस केस में ले रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म फी के रूप में गया और इस तरह से जब सब आदमी का मनी को आप जोड़ दोगे इस तरह मिस्टर एक्स की तरह जितना भी था और पूरी इंडिया में जितना भी गेम खेलता है दैट मनी इज नोन एज ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू मीन्स टोटल प्लेटफॉर्म भी कलेक्टेड बाय गेमिंग इंडस्ट्री अब बात करते हैं एट्टी जो प्राइज़ भूल किया अब इस तरीके से मान लो टोटल सौ ने खेला था हंड्रेड पर्सन ने कंटेस्ट किया इस पी में एक पर्सन का अस्सी रुपये है टोटल हंड्रेड है तो इंटू यदि हंड्रेड कर दिया थाउजेंड रुपीज अब इसमें से जो भी विनर बनेगा भले सौ पीपल है विनर तो कोई एक बनेगा इस विनर को कितना मिल गया एट थाउजेंड रुपीज इसे मिल गया अब इस एट थाउजेंड पे थर्टी परसेंट देना होगा दैट इज नोन एज टीडीएस टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स जो कि गवर्नमेंट यहां पर थर्टी परसेंट लेगा वो लगभग कोई भी गेम आप जीतते हो जैसे केवीसी जीता थर्टी परसेंट आपको टीडीएस देना यह अलग है बियॉन्ड जीएसटी तो इसका दे दिया गवर्नमेंट को सो इट्स अमाउंट विल बी एट हंड्रेड इंटू थ्री ये इतना पैसा चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और बट जीएसटी कहां लगता था पहले तो ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म फी जो लिया ट्वेंटी रुपीज़ इस पर एटीन परसेंट पहले जीएसटी था एटीन परसेंट जी एस टी एटीन इज टू दिस तो थ्री पॉइंट सिक्स रुपीज़ एज अ जी गवर्नमेंट के पास गया इट इज़ अर्लियर रूल काफ़ी आसान था जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो प्लेटफॉर्म भी लेता था उसी पे जीएसटी लगता था जीतने वाले से गवर्नमेंट लेता था क्या तो लास्ट में TTS लेता था अब क्या चेंजेज हुआ सिस्टम क्या है प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने बोला जैसे ही आप कॉन्टेस्ट इंट्री अमाउंट देते हो जैसे सौ रुपये आपने दिया आपको इसी जगह पे ट्वेंटी एट परसेंट जी देना होगा ट्वेंटी एट परसेंट जी एस टी एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट इंट्री अमाउंट सो ट्वेंटी एट परसेंट जैसे आप कैलकुलेट करते हो ट्वेंटी एट परसेंट का मतलब वन बाई हंड्रेड हंड्रेड सो ट्वेंटी एट रुपीज़ मनी एज अ जी एस टी गवर्नमेंट के पास चला गया वनली अब इस प्लेटफॉर्म पे मनी जाएगा सेवेंटी टू रुपीज़ अभी सेवेंटी टू रुपीज बचा है ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म फी भी उसे कुछ चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म फी ले लिया बट अब यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स यहाँ पे कट चुका है जीएसटी सो मान लो सेवेंटी टू रुपीज में क्या हुआ उसके पास इसने जो है ट्वेंटी रुपीज प्लेटफॉर्म फी रख लिया तो ट्वेंटी रुपीज जैसे यहाँ से माइनस करो सेवेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू फाइव फिफ्टी टू रुपीज जाएगा कहाँ पे प्राइस पूल में तो जो पहले एटी रुपीज प्राइज पुल मनी हुआ करता था इसका मतलब अब जब ड्रीम इलेवन देखेंगे आप तो उसमें क्या होगा विनर को कम अमाउंट जाएगा तो तो प्राइज मनी कम हो जाएगा इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि ये जो है गेमिंग इंडस्ट्री को किल कर देगा खत्म कर देगा जो आप प्रेजेंट सोर्स लाए क्योंकि हमारे पास बहुत कम मनी बच रहा है कहाँ पर प्राइज पुल में डालने के लिए सो इट अट्रैक्ट लेस पीपल पहले क्या था कि पीपल जब अधिक मनी सुन रहा है और मेजर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करता सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ करेंट विथ करेंट रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कुछ इस तरह से न्यूज है कि ट्वेंटी एट परसेंट जो है ट्वेंटी एट परसेंट ऑन ऑनलाइन गेमिंग हो वेदर इट इज हॉर्स रेसिंग हो कसिनो हो सब पे लगेगा कहाँ पे ट्वेंटी एट परसेंट जो हमने बात किया इनिशियल अमाउंट पे पेड अपॉन एंट्री कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट पे लगेगा दो तरह का गेम होता है गेम ऑफ़ स्किल एंड गेम ऑफ चांस गेम ऑफ स्किल मतलब जहाँ पे कि आपका दिमाग लगता है इन विच आउटकम डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एक्सपर्टीज स्किल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस दैट इज नॉलेज गेम ऑफ स्किल जैसे कि मान लो PUBG हो गया काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तब अच्छा खेल पाओगे गेम ऑफ जैसे चांस हुआ गेम इन विच द आउटकम इज डिसाइडेड बाय रेंडमाइज्ड इवेंट दैट इज बैटिंग हो गया गैम्बलिंग हो गया हॉर्स रेसिंग हो गया दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द गेम ऑफ चांस हमने क्या बात किया कि इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री पे लग गया उसके बाद टी डी एस थर्टी परसेंट तो कटेगा ही एंड इसके बाद इस आर्टिकल में कुछ नहीं इसके बाद है अबाउट ऑल द न्यूज अबाउट जीएसटी थोड़ी सी मैं बात करता हूं जीएसटी के बारे में थोड़ी बेसिक को समझते हैं क्या है जीएसटी आपको पता है किसी भी देश दुनिया में दो तरह का टैक्स सिस्टम चलता है वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी इंपोज डायरेक्ट टैक्स पे कभी नहीं होता है डायरेक्ट टैक्स अभी भी चलता है जैसे हर इंसान इनकम टैक्स देता है बिजनेसमैन कॉरपोरेट टैक्स सी जी एस उसके बाद जो है क्या कैपिटल गेन टैक्स एंड एस टी टी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये इस तरीके का टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज भी चल रहा है ये नॉट अंडर दी एस टी नॉट अंडर जीएसटी बट ऑल दी इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट टू थ्री मेजर आइटम्स वो उसपे जीएसटी नहीं लगता है बट ऑल दी इंडायरेक्ट टैक्स जितना है उसपे जीएसटी लगता है बेटर सेकेंड थोड़ा मैं पानी पी रहा हूं तो जितने भी इंडायरेक्ट टैक्स हैं उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इंडिया में क्या था रूल uh, पहले कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता था एंड सम टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास मेजर मेजर टैक्सेस कौन सी आती थी वन इज़ नोन एज मेजरली जो सेंटर एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी तक उस समय लगती है एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी चीज़ का उत्पादन होगा प्रोडक्शन होगा इंडिया लेवल पे तो उस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी कोई भी सामान इम्पोर्ट होके बाहर के देशों से इंडिया में आ रही है तो उस सामान पे लगेगा कस्टम ड्यूटी मान लो कोई चीज़ यूएसए है यूएसए से जो है क्या इंडिया में आ रहा है तो यहाँ पे क्या है इस पे लगेगा कस्टम ड्यूटी उसके बाद कई तरह की चीजें हैं जो कि सर्विसेस में आती है सर्विसेज में एवरीथिंग वेदर इट इज़ मान लो कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन है जब कभी आप कोई कोचिंग में बिल पेमेंट करते होंगे तो वहाँ पे 18 परसेंट जी लगता है दुनिया की पहली ऐसी कंट्री जो कि एजुकेशन पे 18 परसेंट जी लेती है बट देना पड़ रहा है हेल्थ सर्विसेज uh, आप लेते हो हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे आप जी देते हो ये सभी चीज़ जो है आता है सर्विसेज टैक्स जो कि पहले गवर्नमेंट जितने भी तरह की सर्विसेज होती है उस पर टैक्स लेती थी सर्विस टैक्स उसके बाद सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज सेस एंड सरचार्ज को कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स ये कभी मैं डिस्कस करूंगा ओरिजिनली कैसे कैलकुलेट करते हैं सेस एंड सरचार्ज अभी के लिए समझना है एक पर्सन है उस पर मान लो उसकी इनकम है टेन लाख रुपीस बहुत बेसिक एग्जाम्पल में इस पर लगा टेन लाख इसकी इनकम है एक लाख इस पर कितना लगा टैक्स लगा इस टैक्स पे मान लो गवर्नमेंट ने बोला है कि जीरो पॉइंट फाइव परसेंट आपको क्या देना होगा सेस देना होगा तो इस वन लाख जो टैक्स वाला अमाउंट है इस पे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट दैट इज वन लाख का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स ये अमाउंट हो गया सेस फिर ये जो अमाउंट हुआ इसको आप टैक्स में ऐड करो दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा सपोज दैट इट विल बी वन लैख टेन थाउजेंड वन लैख टेन थाउजेंड इस पे मान लो फिर से है कि वन uh, परसेंट क्या है सरचार्ज तो इस अमाउंट पे जो जोड़े आपने दैट इज अब फाइनली होगा इतना टैक्स इस पर्सन को देना होगा तो टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स है सेशन एंड देन उसके बाद है एडिशनल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम अभी के लिए आप इतना समझो ये सिर्फ कस्टम ड्यूटी है ये दोनों भी कस्टम ड्यूटी है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है इसमें डिफरेंस यहां पे भी कस्टम है और यहां पे भी कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी कब है जब भी कोई चीज आप इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता है एक्साइज ड्यूटी सर्विसेज पे लगता है सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेशन सरचार्ज चार्ज एंड सम वॉट अबाउट एटसेट्रा पे कर देते हैं का छोड़ दो इतना ही जनरली मेजर है और कुछ नहीं बचा स्टेट क्या क्या टैक्स लेता है आपको मैंने बोला दुनिया मतलब पूरा कंट्री के अंदर में जो भी चीज पे प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लेगा कौन सेंट्रल गवर्नमेंट है बट दो प्रोडक्ट पे बोला स्टेट कि हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे तो बोला कौन कौन से सामान पे तो स्टेट बोला जितनी भी अल्कोहलिक लीकर है दैट मीन्स जो कंज्यूमेबल लीकर है जो इंसान डायरेक्ट कंज्यूम करता है शराब पीते पीते जिसके होठ कांपते हो ठीक है तो अल्कोहलिक लिकर जो भी है एंड देन जो भी नारकोटिक्स है ओपीएम जैसे कि मान लो अब ये जो है जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में गाजा हुआ अफीम हुआ कोकीन हुआ ये पीने वाला नहीं है ये वाला है मेडिसिनल पर्पस के लिए जो भी है ये इस पे जो है इसके प्रोडक्शन पे एल्कोहल पीने वाला यू कंज्यूमेबल और नारकोटिक्स मेडिसिनल इस पे जो एक्साइज ड्यूटी लेगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा क्योंकि स्टेट की रेवेन्यू कम है तो उसको भी कुछ चाहिए तो दो चीज़ पे वो ले लिया प्रोडक्शन पे क्या लिया सेंटर एक्साइज ड्यूटी जो सामान फाइनली कंप्लीट हो गया उस पर अब लगेगा सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक पानी की बोतल बनाई मान लो ये बिस्लेरी की बोतल है ठीक है तो इसके प्रोडक्शन के समय जो टैक्स लगा उस पर उसको बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी और आफ्टर बनने के बाद इसे बेचने के लिए मान लो ये दिनेश को ये पानी का बोतल खरीदना है इस समय जो इसने टैक्स दिया सेल्स टैक्स ये सेल्स टैक्स लगाएगा कौन स्टेट गवर्नमेंट होप सो इट इज क्लियर तो सेल्स टैक्स इसी को कहते हैं बहुत जगह आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में वैट लिखा होता है वैल्यू एडेड टैक्स ओके इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे स्टेट अपना टैक्स लगाता है इंटरटेनमेंट टैक्स आप मूवी देखने के लिए जाते हैं थिएटर जाते हैं उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स जैसे लगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है टैक्से ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल सेश एंड सरचार्ज जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सेस सरचार्ज लगाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी अपने टैक्स पे सेस एंड सरचार्ज लगा सकता है टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट यदि हो रहा है लग्जरी टैक्स है इंट्री टैक्स पहले क्या होता कि यदि आप कोई फॉरन गुड्स लेके फॉर नॉट फॉरन गुड्स दिस इज वन मीन गुजरात मान लो ये गुजरात से आप क्रॉस किए राजस्थान उसके बाद आप जा रहे हो यूपी जितने स्टेट क्रॉस कर रहे हो उतने जगह पे आपको एंट्री टैक्स देना होता ये चीज़ है आपने क्या देखा इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम लगता था इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला इन सब को ख़त्म करो दैट इज ई एन डी करो एंड करो और इसके जगह पे न्यू सिस्टम लाया हमने दैट इज़ नोन एज जी एस टी जी तो इन सब को रिप्लेस करके हमने डाला जी एस टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन की आपको याद रखना है कौन कौन सा इनमें से और इनमें से जी के अंदर में नहीं है तो जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे रेड ब्रैकेट से लिखा है दैट इज नॉट अंडर जी एस दैट इज पहला क्या चीज़ है सेंट्रल वाला में कस्टम ड्यूटी नॉट अंडर द जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम ड्यूटी पे आज भी कस्टम ड्यूटी लगता है बट जीएसटी हम कहाँ उस पर कैसे ऐड करते हैं जो सामान आता है तो उसको जीएसटी में डालने के लिए हमने दो एक्स्ट्रा टैक्स है दैट इज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जिसको कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहते हैं एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम ये दो पार्ट जो है अभी भी हम उस पर लगाते हैं तो ये दोनों जी में है ये सभी जी में है बट कस्टम ड्यूटी जी में नहीं है स्टेट वाले पार्ट में सारा कुछ अंडर जी है बट तीन चीज़ें स्टेट में नहीं है एक तो इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड जीएसटी है सेकेंड अल्कोहल इज आउटसाइड जीएसटी एंड थर्ड वन इज फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आउट दी जीएसटी क्या क्या है वो फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो वो हो गया आपको पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल नेचुरल गैस एंड ए टी एफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर में लगता है इस पॉइंट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको याद करना है आपको पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंप्लीट नेम दैट इज पेट्रोलियम क्रूड मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल दैट इज बियॉन्ड बियॉन्ड जीएसटी एस टी जीएसटी में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है अल्कोहल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नहीं है तीन स्टेट का और एक जो है कस्टम ड्यूटी नॉट अंडर दी जीएसटी टी ओके दिस वन उसके बाद एक पॉइंट अभी मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाह रहा था जस्ट सिंपल सी बात है थोड़ा जस्ट जो हमने पढ़ा उसको एप्लीकेशन बेस्ड समझ लेते हैं क्या चीज़ हमने जो पढ़ा कि वो कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ में सो so, मान लो ये कहाँ से है तो हमने एज फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की प्राइस को हम लोग देखते हैं कैसे एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी क्या क्या लगता है ये है बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल कहाँ पे तो सऊदी अरेबिया में मान लो सऊदी अरेबिया में उनतीस रुपये लीटर जो है ट्वेंटी नाइन अप्रॉक्स थर्टी रुपये लीटर वहाँ से पेट्रोल मिला थर्टी सेवन पैसा इस पे हमें भाड़ा लग गया फ्राइड कॉस्ट लग गया टोटल प्राइस यहाँ आके लग गया इस पर इस पर क्या लगा तो प्राइस चेंज टू डीलर इतना एक, एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड वेट अभी तक इस पर एक्साइज ड्यूटी वेट नहीं लगा है अब इस पर क्या लगेगा जब इसका पेट्रोलियम ये क्रूड से जैसे ही हम क्या बनाए क्रूड पेट्रोलियम से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाना होता है चाहे पेट्रोल बनाओ डीजल बनाओ उसे आपको इंडिया ला हम लोग उसको बनाते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे तो हमने जैसे ही मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना हमने उस पर क्या लगा दिया एक्साइज ड्यूटी ये एक्साइज कौन लेगा दैट विज दैट विल गोज टू सेंटर के पास चला गया हमने भी जस्ट देखा ना प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी हियर इट इज एक्साइज ड्यूटी टेकन बाय सेंटर ओके डन इसके बाद इसका प्राइस लग गया देन आफ्टर जाएगा आप किसी पार्टिकुलर स्टेट में वहाँ पर लेगा डीलर अपना कमीशन जो पेट्रोल पम्प जिसका चलता है वो मान लो थ्री रुपीज उसमें ऐड किया अब यहाँ पे अनदर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ नोन एज वैट जो हमने बोला था वैट इज मतलब सेल्स टैक्स ये सेल्स टैक्स किसके पास गया तो दिस विल गोज टू स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में वो पेट्रोल बिक रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन सेल्स टैक्स हो गया ये और फाइनली आपके पास जो पहुंचा एज अ कस्टमर के पास पहुंचेगा जो कि थर्टी रुपीज़ की पेट्रोल एटी सिक्स रुपीज़ में आप सपोज कीजिए कि आपने इसमें कितना रुपीज़ जो है गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स में दे रहे हो जब आप एक लीटर पेट्रोल लेते हो हमें टैक्स की नहीं समझना है यहाँ पे हमें समझना था सेल्स टैक्स कब लगेगा एक्साइज ड्यूटी कब लगेगा एंड एक्साइज ड्यूटी गोज टू सेंटर सेल्स टैक्स गोज टू स्टेट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टील इज द आउट ऑफ जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी भी इस पर चूंकि जीएसटी में नहीं है उस पर तो इस प्रोडक्ट पर डायरेक्टली सेंटर के पास जा रहा है क्लियर ये पॉइंट हम ये पॉइंट आपको नॉट प्रलिम्स के लिए यूजफुल uh, है फाइव पॉइंट की वजह से हमने जीएसटी को लाया एक तो प्रॉब्लम क्या चल रहा था गुड्स एंड services डेफिनेशन एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको और डिटेल में समझना है हालांकि मैंने सारी बेसिक बातें बता दी अब इससे अधिक एग्जाम के लिए नहीं याद रखना है बट एक एक चीज़ समझना है बहुत डिटेल में तो एक विकास देवीकृति सर का आप जब वीडियो सर्च करेंगे ऑन जी तो काफ़ी डिटेल में सर ने वीडियो बनाया है अप्रॉक्स फोर टू तो फाइव आवर्स के आई थिंक इतना ही आवर की है तो कभी आप इसे इस वीडियो को देख लीजिएगा फ्री टाइम में बट नॉट नेसेसरी टू वॉच बट आप देख लेंगे तो बहुत अधिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा इस पर तो मैं बात कर रहा था ये पांच पॉइंट पे पहला पॉइंट करा गया गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन में प्रॉब्लम था क्या प्रॉब्लम था पहले तो प्रॉब्लम ये था कि पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले सर्विसेज को कैसे डिफाइन करती थी पहले सर्विस का डेफिनेशन था कि इनकम टैक्स एक्ट में कि जो भी गुड्स नहीं है ना जो भी गुड्स नहीं है दैट इज़ सर्विसेस और तो इससे इन आदमी क्या चलाकी करता उस उसको वो समझता क्या कि जो चीज़ में कम टैक्स है चूँकि जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है तो जो जिसमें टैक्स कम रहता तो वो वेदर इट इज़ गुड्स में चला जाता वेदर इट इज़ सर्विसेज में चले जाता इसका एग्जाम्पल है जिससे मान लो एक सैलून है गवर्नमेंट ने बोला क्या सैलून जो है वो सर्विस सेक्टर में है इंसान ने नाम बदल के उसका करवा लिया हेयर स्टाइलर हेयर डिज़ाइनर और इसे बोला हम तो इसको गुड्स में रखेंगे और इस पर चूँकि इसको टैक्स कम लगता तो इस तरह की डिफिनेशन में क्लियर कट डिफिनेसन नहीं था तो जिसकी वजह से हमने जी लाया फर्स्ट पॉइंट सेकेंड कैश कैडिंग इफेक्ट ये बहुत मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से हमने जीएसटी लाया कैश कैडिंग इफेक्ट में ये होता है क्या जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो ये पानी की बोतल हम उसका एग्जांपल ले, ले लेते हैं ये वाला अपना वो <coughs> सपोज दैट दिस इज रॉ वाटर रॉ वाटर को जो है ये पाँच रुपये पर लीटर था इसको इसमें क्या किया गया प्योरीफाइड किया गया इसमें जो है कि टू रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया गया देन आफ्टर इसमें मिनरल्स एड किया गया एंड फाइनली कंज्यूमेबल बना तो फाइव रुपीज़ पर लीटर था ये फाइव रुपीज़ पर लीटर पानी खरीदा गया था पर लीटर यहाँ पे तो इस पर मान लो गवर्नमेंट कुछ उस समय टैक्स लेता जब रॉ मटेरियल है इस पर मान लो इसने दिया वन रुपीज टैक्स दिया ये मनी ऐड हो गया टोटल सिक्स रुपीज हुआ तो यहां पे सिक्स प्लस टू होगा वैल्यू एडिशन में टोटल एट रुपीज पे फिर से टैक्स लगा तो इस केस में क्या हुआ जो आपने ऑलरेडी वन रुपीज टैक्स पे किया है वो यहाँ पे ऐड हो गया मतलब टैक्स ऑन टैक्स फिर यहाँ पे एट में पहुंचाइए इस पर कुछ मान लो वैल्यू एडिशन टू का हुआ तो टेन हुआ अगेन यहां पर टैक्स देना होगा तो यहां पे जो आपने दो रूपीज प्लस वन थ्री रुपीज का टैक्स दिया तो अपने ही पैसे पे फाइनली ये पानी का बोतल कौन खरीदेगा आप खरीदेंगे हम खरीदेंगे तो ये सारा टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ रहा था दैट इज नोन एज कैसकेडिंग इफेक्ट तो इसको रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड जी एस टी सेकेंड पॉइंट क्लियर थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सेल्स टैक्स दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स हम हर स्टेट का क्या होता वैल्यू एडेड टैक्स डिफरेंट है जो कि अभी भी आपको देखने को मिलता है पेट्रोल प्रोडक्ट में अभी जीएसटी में नहीं है ये तो आप देखते होंगे किसी स्टेट में जो है पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है तो किसी में कम है तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जो है सेल्स टैक्स डिफरेंट लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है यदि जी रहे तो यूनिफॉर्म होगा पूरी ऑल ओवर इंडिया में तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने जो है जी लाया फोर्थ पॉइंट आपको हमने थोड़ी देर पहले हम चर्चा किया था कि एंट्री टैक्स जो है हर स्टेट का अलग अलग जितने स्टेट क्रॉस करो यदि सिक्स स्टेट से क्रॉस कर रहे हो सेवन स्टेट से क्रॉस कर रहे हो तो हर स्टेट को टैक्स देना होता अब ऐसा कुछ नहीं है फाइनली आप टोटल वेदर इट इज़ आप ट्वेंटी एट स्टेट क्रॉस कर लो आपको बस टैक्स कहाँ से देना है मान लो ये प्रोडक्शन स्टेट है ट्वेंटी एट स्टेट बीच में क्रॉस किया फ़ाइनली जहाँ पहुँचा ट्वेंटी मान लो तमिलनाडु पहुँचा तो जिस जगह पे प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है डेस्टिनेशन पहुंचा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को मतलब उसका टैक्स पे मनी मिलेगा बाकी इस पर कोई टैक्स कल उस पर नहीं लगा सकता है सो so, ये फायदा हुआ इंट्री टैक्स चूँकि हम लोग यूनाइटेड इंडिया है नॉट दिटेड डिवाइडेड डिवाइडेड इंडिया एंड फो फिफ्थ पॉइंट टू एड सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स यूनिफॉर्मली कि दोनों का टैक्स एक साथ एड हो जाए कैलकुलेशन में ईजी हो तो जिसकी वजह से हमने पॉइंट फाइव पॉइंट नेसेसरी पॉइंट कि हमने जीएसटी क्यों लाया दो बहुत छोटी सी पॉइंट अब समझते हैं कि हाउ जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली कैसे जीएसटी लगता है किसी चीज पे? यदि हम बात करें इंटर स्टेट ट्रेड की मतलब एक स्टेट के अंदर की कहानी है हमने एग्जाम्पल लिया है कर्नाटका गवर्नमेंट में कर्नाटका स्टेट में कर्नाटका में मान लो एक फैक्ट्री है मोबाइल की मान लो एप्पल मोबाइल की फैक्ट्री है ये मोबाइल बनाया और मोबाइल का प्राइस है सौ रुपये काफ़ी सस्ता मोबाइल बन रहा है हंड्रेड रुपीज़ में हंड्रेड रुपीज़ आप मोबाइल जानते हो आपको पता है जीएसटी रेट मोबाइल पे एटीन परसेंट है आप मोबाइल ख़रीदने गए आपको बिल मिला और बिल में लिखा हुआ है इस हंड्रेड रुपीज़ में आपको एटीन परसेंट टैक्स देना होगा इस एटीन परसेंट में सेंट्रल और स्टेट डिवाइड कर लेगा नाइन परसेंट चला गया सी जी एस टी दैट इज सेंट्रल जी एस टी एस मतलब स्टेट जी एस टी नाइन रुपीज़ मोदी जी के पास चला गया नाइन रुपीज कर्नाटका गवर्नमेंट के पास कांग्रेस के पास चला गया दोनों हैप्पी और आप एक सौ अठारह रुपये के दे के चले आए ये एक एग्जांपल है कोई मूवी टिकट है ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट ट्यूब में देखो ये मूवी है मूवी में क्या लगा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जी एस नाइन परसेंट नाइन परसेंट लगा है मतलब दोनों पैसा लग गया सी जी एस टू सेंटर एस जी टू दैट पर्टिकुलर स्टेट यदि ये मोबाइल सेम अब इंट्रा स्टेट हो जाए कर्नाटका से पहुंच जाए योगी जी के पास पहुंच जाए उत्तर प्रदेश पहुंच जाए तो क्या होगा जब योगी जी के पास पहुंचा, हमें पता है कि जी एस टी इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनेशन बेस्टेज अब कर्नाटका बोलेगा बाय बाय यहाँ पे इसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा आई जी एस टी इस पर लगेगा डायरेक्टली नॉट सी जी एस टी नॉट एस जी एस टी डायरेक्टली आई जी एस टी सौ रुपये का मोबाइल था डायरेक्ट इस पर लगा एटीन परसेंट आई जी एस टी एक सौ अठारह आपको अभी भी सेम प्राइस मिला कस्टमर को लेकिन अब बात है कि ये पैसा कहाँ जाएगा आई जी एस टी वाला आई जी एस टी वाला में एक पार्ट जो है सेंटर अपने पास रखेगा और आई जी एस टी का जिस स्टेट में चूंकि यूपी में ये मोबाइल बिका है तो यूपी गवर्नमेंट को नाइन परसेंट मिल गया मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बाय बाय दोनों पैसा बीजेपी के पास चला गया सो so, खूब सो समझ में आया और आई जी एस टी का एक देखो बिल ये है इस तरह का आई जी एस टी का जिसमें कि Uh, कोई क्या इसमें सेल हुआ है कंप्यूटर uh, सेल हुआ है और फिफ्टी थाउजेंड का है इस पर एटीन परसेंट जी एस टी लगा है सिंपली आई जी एस टी लगा अब ये आई जी एस टी लगा आई जी एस टी का मनी एक मनी गोज टू सेंटर एंड अनदर स्टेट जहाँ पे कि ये पार्टिकुलर किस जगह पे से ये गया है तो वेस्ट बंगाल गया है प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका कर्नाटका है तो कर्नाटका स्टेट को मिलेगा सिंपल सी बात है जिस स्टेट में कंज्यूम किया गया उसे मिलेगा सी जी एस टी गोज टू सेंटर एस जी एस टी गोज टू स्टेट आई जी एस टी गोज टू सेंटर एंड डेस्टिनेशन बेस्ट स्टेट सो ये था एवरीथिंग अबाउट दी एवरीथिंग अबाउट जीएसटी एंड टेक सिस्टम एंड ऑनलाइन गेमिंग सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया ए टू जेड पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया जो भी इसमें था जो इसके बियॉन्ड भी था उसको भी डिस्कस किया जीएसटी कब आया फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन हंड्रेड वन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको ध्यान में रखना है हंड्रेड फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नीट फॉर जी एस टी समझ लिया कुछ जीएसटी की बॉडी है एक जीएसटी जैसे नेटवर्क है जी ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एंड ये जनरली सारा काम दिखता है पूरा सिस्टम कैसे चलेगा कैसे जो है क्या जी वर्क करेगा जी कलेक्ट करना है तो दैट इज द बैकबोन फॉर द जी इनकम टैक्स बैकबोन फॉर द जी सिस्टम जो कि जी एस टी नेटवर्क है याद रखना है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद है जी एस टी एपिलेट ट्राइब्यूनल्स के बारे में यह एक स्टेटरी बॉडी है स्टेटरी बॉडी बिकॉज ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल जीएसटी एक्ट के थ्रू आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जीएसटी चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए तो कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यह एक और भी बात है कि एपिलेट ट्राइब्यूनल्स ऑलवेज मैक्सिमम टाइम्स में ये क्या होता है स्टेटरी बॉडी होता है और सिंपल सा काम है आप ये ट्राइब्यूनल्स है तो क्या करेगा केस की सुनवाई करेगा तो ये जो है ये स्टेटरी बॉडी है इट इज़ द सेकेंड अपील इन जी एस टी लॉ सेकेंड है फर्स्ट कॉमन फॉर होता है कहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये हियर्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर पासड बाय अपीलेट अथॉरिटी ये फर्स्ट है इसके बाद ये सेकेंड में आप इसके बाद, बाद, बाद यहाँ पे सो so, इजी है uh, कोई नेक्स्ट है जी काउंसिल जी एस काउंसिल में यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस पर चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं हमारी है उसके बाद मेंबर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टोटल बाकी हर एक स्टेट का जो है क्या फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी डिसीजन मेकिंग होता है थर्टी थ्री परसेंट वोटिंग जो है इसमें शेयर सेंटर का है थ्री फोर्थ मेजोरिटी चाहिए सो दिस वन एंड फाइनली नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है वाइडनिंग टैक्स बेस ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रम्स के बेसिक पे नहीं है ये आप मेंस में इस तरह का क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंडिया का टैक्स बेस जो है वाइडन वाईदिन, वाइडनिंग हो रहा है मोर पीपल कम अंडर दी टैक्स रिजीम इंडिया का टैक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है और टैक्स टू जीडीपी डी पी भी इंडिया का इंक्रीज हो रहा है क्यों हो रहा है तो थोड़ा एक दो फीचर्स समझते हैं कहता रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ हाईलाइटेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रैकिंग फीचर्स जब से न्यू ट्रैकिंग फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है हेल्प है वाइडनिंग इन द टैक्स बेस मतलब गवर्नमेंट जो है मस्ट पीपल मोर पीपल गिविंग टैक्स टू गवर्नमेंट क्योंकि उसे अब डर है कहीं यी ना पहुंच जाए उसके बाद जो है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट जिससे कि क्या इंप्रूव हुआ है गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया जो कि पीपल अब मोर टैक्स पे करते हैं तो है क्या क्रॉस सेडिंग ऑफ पेन एंड बैंक एंड आधार मतलब इन तीनों को एकोमोडेट करके गवर्नमेंट ने सबको लिंक करवा दिया है सो गवर्नमेंट ईजिली क्या कर पा रहा है ट्रैक ऑल दी फॉर्मल ट्रांजेक्शंस थ्रू द बैंक जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट नाउ कैन ट्रैक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीडीएस कोड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेटा सोर्स इसकी वजह से गवर्नमेंट को मोड एंड मोड़ जो है टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है करंट सिनारियो क्या है टैक्सेशन इन इंडिया तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इसका मतलब मैंने पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पूरी जितनी आपकी जीडीपी है जीडीपी के रिस्पेक्ट में कितना आपके पास टैक्स कलेक्शन हो रहा है दैट इज़ नोन एज टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये इंडिया का जनरली एलेवन पॉइंट वन परसेंट है दैट इज़ नॉट बैड दैट इज़ गुड कैटेगरी में है ना nah, मतलब सही है एलेवन पॉइंट वन परसेंट इज़ नॉट बैड विच इंक्लूड्स इसमें से एलेवन पॉइंट वन परसेंट कैसे तो इसमें से सिक्स परसेंट मनी आता है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स से फाइव परसेंट आता है और क्या है इंडिया में ये थोड़ा सा बहुत कम है कि ओनली फाइव पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है ये इनकम टैक्स आई का एक फॉर्म है इनकम टैक्स एक्ट आई एक्ट क्या कहता है जो भी पर्सन इंडिया में अंडर दी टैक्सेबल इनकम आते हैं उसे आईटीआर भरना मैंडेटरी है जो भी मतलब इनकम लिमिट जितना भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वेदर इट इज जैसे मान लो थ्री लैख के ऊपर मान लो टैक्स लगेगा तो इससे जो ऊपर वाले पीपल हैं उन सभी को आई भरना चाहिए आपके मन में चलता होगा ऐसे तो बहुत सारे इंडियंस हैं बट वो आई नहीं भरते तो नहीं भरते हैं जब कब कभ, जब कभी ऐसा होगा तो उसके पास ई साहब कभी भी पहुँच सकते हैं तो इस तरह से लेकिन यदि आप हैं तो आपको मैंडेटरी भरना होगा आई क्या होता है आई एक फॉर्म है टू शो योर ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आपका कितना टैक्सेबल इनकम है आप वो दिखाते हो आपका कितना मनी उसमें से एग्जम्प्टेड है वो भी आप शो करते हो उस फॉर्म में कि इतना पैसा मान लो क्या आपने उसमें शो कर दिया इस साल मैंने जो है अपने बच्चे का दो लाख रुपये एडमिशन में दिया वो पैसा डिडक्ट होगा तो इस सब तरह का आई टी आर में फॉर्मली डिक्लेयर दिया अपना इनकम आप डिक्लेयर करते हो डिडक्शन क्लेम एग्जाम्सन टैक्स पेड कहीं आप मान लो एल में इन्वेस्ट हो पॉलिसीज लियो इंश्योरेंस लियो वो सब एग्जाम्पेड हो जाता है ये सारा कुछ आप उसमें दिखाते हो रिलीज बाय सेंट्रल स्टेट नॉट इम्पोर्टेंट उसके बाद रीजंस क्या है इंडिया में लो टैक्स बेस होने का क्यों इंडिया में कम है प्रेजेंटली विथ रिस्पेक्ट टू कि कम ही है हमारे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है कि टैक्स बेस रीजन्स फॉर लो टैक्स बेस प्रजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ मोस्टली एटी परसेंट जो है ना जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो इनफॉर्मल सेक्टर से तो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है उसे टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते टैक्स एंडजपन फॉर एग्रीकल्चरल इनकम इट सपोज करो जिस देश की सिक्सटी परसेंट फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है सिक्सटी परसेंट इंडियंस नियरली उसका प्राइमरी सोर्स क्या है वो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर मींस नॉट खेती एग्रीकल्चर मींस एनिमल हस्बेंड्री ये सभी कुछ में आप जो है बट ये इनकम नॉट टैक्सेबल यदि सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन बाहर है तो कहाँ से वाइड टैक्स बेस होगा हाई इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स लिटिगेशन अबाउट क्या है कि जो भी केस है टैक्स से रिलेटेड उस पर लगभग पाँच लाख केस पेंडिंग है जुडिशियरी में जुडिशियरी का अलग समस्या है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपोर्ट्स एंड रिसोर्सेज की कमी है जिससे कि हम ट्रैक कर पाए और इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म बना पाए टू कलेक्ट द टैक्स एक पॉइंट है एंजल टैक्स में भी आपको पता हो तो अच्छी बात है नहीं पता हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ वट इज़ एंजल टैक्स देखो एंजल टैक्स मतलब क्या होता है एंजल मतलब आप नाम से लगता है ना कि लाइक कोई पावरफुल इंसान है पड़ी है नॉट पड़ी मतलब पावरफुल इंसान कोई भी कंपनी है कंपनी में कितने तरह के आपके यहाँ शेयर होल्डर्स होते हैं मतलब आपके कंपनी के हिस्सेदार पार्टिसिपेंट होते हैं एक को कहता है एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वन इज़ बॉन्ड वन इज डिबेंचर क्या होता है चारों आपको मैंने पहले ही बोला है सारा हम कैपिटल अकाउंट वाले में हम लोग इसे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे बट अभी समझना है बस सिंपली इतने तरह के इस पीपल में अलग अलग होल्डर्स इसमें होते हैं और जब तक ये था तो इसका सपोज करो एक शेयर का प्राइस इस कंपनी का इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस सौ रुपये था ओके okay? कंपनी का एक शेयर का प्राइस हंड्रेड रुपीज पर शेयर था बट पता चलता है क्या एक दिन एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एच एन आई पर्सन आते हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कौन है मान लो रतन टाटा साहब रतन टाटा साहब जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं जैसे ये पब्लिक में न्यूज गया कि टाटा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उस दिन इंसान का इस कंपनी पे ट्रस्ट जो है पूरा बढ़ जाएगा उसे लगेगा अरे ये कंपनी तो मतलब क्या होगा सॉरी मैं इसमें टाटा साहब का नाम डिलीट करता हूँ बिकॉज वो बहुत लीजेंडरी पर्सन है मैं इस पर एग्जाम्पल लेता हूँ अडानी साहब का ले लेते हैं अडानी जी अडानी जी इसमें इन्वेस्ट करते हैं बट अडानी ऑल्सो वेरी फेमस लोग को पता है क्या रिचेस्ट पर्सन है तो इस जैसे पता चलेगा कि इस कंपनी में क्या हुआ है कि ये इन्वेस्ट किए हैं इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और ये सौ रुपये से इस शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा एक हज़ार रुपये हो जाएगा पीपल इसके ऊपर दौड़ जाएंगे चलो क्या करते हैं ये शेयर खरीदते हैं इस कंपनी का कंपनी का नाम रख देते हैं पेटीएम ये भी तो डूब ही गया है तो पेटीएम रख दिया हजार रुपये हो गया जैसे ही हजार रुपये होगा अडानी जी जो है अब बोलेंगे हम इसका शेयर बेच लेते हैं इसलिए मैंने यहां से टाटा जी का नाम रिमूव किया था क्योंकि वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो अडानी जी क्या करेगा इसको बेच लेगा ये शेयर को क्यों क्योंकि उसको एक हजार रुपये मिल रहा है लेकिन इससे गवर्नमेंट को पहले क्या होता कि सिर्फ जो उसका प्रॉफिट होता उस पर एक अर्न टैक्स मिलता तो ये क्या हुआ है बट जो सौ रुपए का टैक्स अब जो ये अपना शेयर बेच रहा है इसको नाइन हंड्रेड का जो प्रॉफिट मतलब ये जो कंप्लीट शेयर का प्राइस में बढ़ा तो इसमें पहले कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं था गवर्नमेंट का कहना है जो ये नाइन हंड्रेड जो आपको ये जो शेयर में जो इंक्रीज हुआ है हम इसमें भी टैक्स लेंगे तो थाउजेंड माइनस हंड्रेड नाइन हंड्रेड ये जो इस पे लगेगा दैट इज़ नोन एज एंजल टैक्स लगेगा लेकिन यदि अब सपोज करो जो पेटीएम यहाँ पे हमने कंपनी लिया ये कंपनी रजिस्टर्ड होता किससे रजिस्टर्ड होता रजिस्टर्ड एक स्टार्टअप कंपनी होता और वो रजिस्टर्ड होता है विद द दे डिपार्टमेंट ऑफ डी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड आई थिंक ट्रेड है इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी तो इस डिपार्टमेंट के साथ ही रजिस्टर्ड होता तो क्या होता उसे एग्जामड मिलता उसे टैक्स नहीं देना होता सो दिस इज टैक्स लेवीड ऑन जो भी कैपिटल रेज करते हैं आप उस पर टैक्स लगता है एंजल टैक्स इसके बाद है लास्ट आर्टिकल ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स इसके बाद भी देखो अभी जो ये पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ये कहाँ पे है ये ड्राफ्ट स्टेज पे है तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामनेसन परपजस बिकॉज ये ड्राफ्ट स्टेज पर है जब यह फाइनली कम्प्लीट हो जाएगा उस समय हम लोग इसको देखेंगे चूँकि अभी ड्राफ्ट है अभी ये पब्लिक फॉरम पर आया है और पब्लिक से इस पर कंसल्टेसन होगा फिर ये लोग पार्लियामेंट पहुँचेगा तो होगा बट यहाँ पर आपको लिए जो जानना जरूरी है एक दो पॉइंट है तो एक मोसपी को समझ लीजिए मोस्पी क्या है एम ओ एस पी आई मोसपी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक मिनट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मीन्स दिस वन इज मिनिस्ट्री बट ये पहले मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था 1999 में क्या हुआ कि दो डिपार्टमेंट हुआ करता था एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस दोनों को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब दोनों काम है अब स्टेटिस्टिक्स वाले काम में क्या होता कि सारा डेटा प्रिपेयर करना जो भी डेटा मान लो पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है तो वो स्टेटिस्टिक्स वाला का काम होता और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में वो चेक करता जो भी गवर्नमेंट के प्लान है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके ऊपर डेटा रिलीज करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजोल्यूशन के थ्रू एक बॉडी क्रिएट किया दैट इज नोन एज एन एस सी नेशनल स्टेटिकल कमीशन ये इसलिए है क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से बना है एन एस सी नॉट स्टेटोरी बॉडी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो ध्यान में रखना है सो एन एस सी और यह एक एडवाइजरी बॉडी है इट इज़ अ एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन स्टेटिकल मैटर पे एक पॉइंट और जो समझना है आपको ये जो मिनिस्ट्री कैसे काम करती है मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट हैं बट मेजर न्यूज क्या हुआ 2019 में इसका जो दो ऑर्गेन था एक एन नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड बनी सी सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस दोनों को भी मर्ज करके एक बॉडी बनाया दैट इज नोन एज एन एस ओ नेशनल स्टेटिकल ऑफिस इसका क्या काम है मेजर कुछ काम नेशनल इनकम निकालना इन्फ्लेशन के बारे में डेटा रिलीज करना पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सोशल सेक्टर इंडिकेटर अब थोड़ा अपने माइंड को रिकॉल कीजिए अपने फर्स्ट दिन के इकोनॉमी के लेक्चर पे जहाँ पे हमने जो है नेशनल इनकम दैट इज जी के बारे में देखा था सो हियर इट इज तो यहाँ पे याद कीजिए क्या था यहाँ पे सो so, देखो यहां पे मोस्पी कैलकुलेटेड मोस्पी कैलकुलेटेड क्वार्टरली जीवीए क्रॉस वैल्यू एडिशन ये जीवीए क्या है दैट इज नेशनल इनकम दैट इज जी डी पी तो कौन कैलकुलेट करता है मोस्पी इसीलिए ध्यान में रखना है कि ये मोस्पी का काम है सो वेयर वी वर वेयर यहां पे हम लोग थे मोस्पी के बारे में सो so, मोस्पी का ये मेजर काम है कि नेशनल इनकम इन्फ्लेशन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सोशल सेक्टर ये सब सारे पे रिपोर्ट निकालना यहाँ पे जो जीडीपी लिखा हो नेशनल इनकम है दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम मीन्स ही जीडीपी होता है इसी का मतलब जीवीए भी होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सो so, तब तक के लिए टिल देन बाय